प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ स्वामी जी. I'm saying you can put your questions in the chat box. I'll keep taking the relevant questions. Huh? जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है ना वो भी आप डाल सकते हैं और उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम ले लेंगे. अच्छा, इसके अलावा आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर अनदर एस्पेक्ट ऑफ थेरेपी. कुंभक थेरेपी जब हम कह रहे हैं तो एक कुंभक थेरेपी का एक एस्पेक्ट मैं आपको एक्सप्लोर करके बताने की कोशिश करूंगा और आप अपने क्वेश्चन भी डाल दीजिए. हम सो हमारे शरीर में एक मूलभूत शक्ति होती है जिसे हम टॉलरेंस कह सकते हैं. जितने भी लोग जिस भी तरीके से ग्रीट कर रहे हैं सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार है. तो एक मूलभूत शक्ति होती है हमारे शरीर में जिसको हम सहन शक्ति बोलते हैं, टॉलरेंस. सो देयर इज अ फंडामेंटल फैक्टर इन एवरी बॉडी विच इज कॉल्ड एज टॉलरेंस, राइट? नाउ इफ यू जज अ पर्सन फॉर सम काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन टूडेज थेरेपी और द करेंट मेथडोलॉजी ऑफ लुकिंग एट अ पर्सन, जैसा आजकल लोगों को देखा जाता है, वी ओनली लुक एट सम नंबर. हम किसी नंबर को ही देखते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल TSH, माई TSH इज 15. My sugar level is 210. My blood pressure is 165/90. ऐसा कुछ कोई नंबर ही देखते ना, है ना? But in real life, in actual life, you know, for the same number, one person faces more problem than the other person. सेम नंबर के लिए एक इंसान को ज्यादा तकलीफ है जो दूसरे इंसान को इतनी तकलीफ नहीं है. ये आपको देखने को मिलेगा. दिस इज प्रीटी कॉमन इफ यू ऑब्जर्व पीपल. अरे अभी तुम्हें बहुत टाइम है भाई. रचना जी अपना म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही. तो सो इन टुडेज टाइम we are just looking at number, we are not observing people that much, hai na. Hame har cheez ka ek number malum hona chahiye. Either we search Google or we do some kind of a diagnosis, although for most of the problem there is no diagnosis available. But you will say ki nahi nahi, for most of the problem diagnosis is not available. The current arena of diagnosis can only cater to less than 1% of the human problem. 1% bhi human problem ko wo puri tarike se cater nahi karta. But we have something which is very very powerful and we are not using it. Hamare sharir mein, hamare andar, humanity mein, human beings mein ek bahut powerful cheez hoti hai jisko hum istemal karna kam kar rahe. You know, we have started talking less in those terms. आपको मालूम है पहले घर में देर यूज टू बी somebody who would fast twice a week and there won't be any problem, isn't it? So we will always tag her like ये तो कुछ भी झेल जाएगी, सहन शक्ति बहुत है इसका, she can bear any amount of pain or difficulty. And we will categorize people like that. हमें ऐसे लोगों को कैटेगराइज करते भी रहते थे कि ये इंसान जो है इनको ये ज्यादा समझ रखते हैं, they are wise people, है ना? And these are the people who can go through any difficulty. इस तरीके से हम बहुत कुछ
कैटेगराइज भी करते थे, अब नहीं करते. वी डोंट कैटेगराइज एनीबडी. वी कैटेगराइज ओनली इन टर्म्स ऑफ आर यू अ बैचलर्स, डिग्री आपको मिला है क्या और व्हाट पोजीशन यू आर इन. हाँ आजकल हम ऐसे ही कैटेगराइज करते, कितनी पढ़ाई कर ली आपने, सो आप ग्रेजुएट हैं क्या, ओ आर यू अ डॉक्टर. तो जस्ट सी द शिफ्ट फ्रॉम विजडम टू नॉलेज. कैसे शिफ्ट हो गया विजडम से नॉलेज पे, राइट. अब क्या है, अनलेस एंड अंटिल वी गेट बैक टू विजडम, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन, विल नॉट इवन बी एबल टू सी दैट वी आर गेटिंग वेल और नॉट. सो टूडे आई गेट क्वेश्चन विच आर वियर्ड, बहुत वियर्ड क्वेश्चन मिलते हैं. क्वेश्चन कैसे आते हैं, हाउ डू आई नो दैट आई एम गेटिंग बेटर, मुझे कैसे पता चले कि मैं ठीक हो रहा हूं या हो रही हूं. दिस इज जस्ट लाइक सेइंग हाउ डू आई नो दैट आई एम हंग्री, मुझे कैसे पता चले कि मुझे भूख लगी है. नाउ आई एम ट्राइंग टू इलाबोरेट और पॉइंट आउट एट अ पर्टिकुलर थिंग विच वी आर नॉट लुकिंग एट, जो हम देख नहीं रहे ना उस तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं. सो द फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ एवरी बॉडी इज डिफरेंट एंड इट कैन बी कॉल्ड एज द टॉलरेंस ऑफ दैट बॉडी, ठीक है ना, टॉलरेंस ऑफ दैट बॉडी, उस शरीर की सहन शक्ति होती है. तो वो सहन शक्ति के हिसाब से आपके डिजीज को डिफाइन किया जाना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम भी उस सहन शक्ति के हिसाब से होती है. लेकिन नंबर देखेंगे तो फिर आपको उसका कुछ पता नहीं चलेगा. एक और तरीका मैं बताता हूं, वन मोर वे टू लुक एट दिस. सपोज योर शुगर फ्लक्चुएट्स बिटवीन 50 टू 150, 50 से लेके 150 तक अगर आपका शुगर फ्लक्चुएट करता है, बट कैसे पता चलेगा, हाउ डू वी नो, क्योंकि आपके टेस्ट तो इधर इट इज फास्टिंग और पीपी, आप तो एक बार टेस्ट करते, इधर इफ यू हैव अ ग्लूकोमीटर तो एक बार ही करोगे तो एक टाइम का पता चल जाएगा, यू विल नॉट गेट द होल रेंज. So this is one flaw in that current diagnosis. There is a methodology through which a continuous glucose monitoring can also be done. If you do continuous glucose monitoring, तो आपको आपका differentiation range पता लग जाएगा कि कितना change हो रहा है. But second step of that diagnosis is still not available. जो हमको लेके आना पड़ेगा, हमको वो डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा. वी हैव टू क्रिएट दोस काइंड ऑफ डायग्नोसिस लाइक रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्लड शुगर, रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्लड प्रेशर, कितना तेजी से और कितना तेजी से ऊपर जाता है या नीचे आता है, वो अभी है नहीं. वी आर वर्किंग ऑन इट, लेटर ऑन वी विल गेट विद दैट, क्योंकि दैट विल बी अ बेटर इंडिकेटर, वो आपके टॉलरेंस का बढ़िया इंडिकेटर होगा. बट आसानी के लिए, जस्ट टू बी वेरी वेरी सिंपल, इफ योर ब्लड शुगर फ्लक्चुएट्स बिटवीन 50 एंड 150, तो क्या रेंज आ गया, 200 का रेंज आ गया, 200 का रेंज आ गया, 50 प्लस 100 प्लस 50, 200 का एक रेंज में फ्लक्चुएट करता आपका ब्लड. और आपका टॉलरेंस, सपोज योर टॉलरेंस इज 10, एट प्रेजेंट वी डोंट हैव एन मेथडोलॉजी टू मेजर टॉलरेंस, वी आर वर्किंग ऑन इट, मगर मैं बता दूंगा टॉलरेंस बढ़ाना कैसे ये मैं बता दूंगा. तो फर्स्ट आप मान के चलिए इफ द टॉलरेंस इज 10, 200 बाय 10 इज 20, 20 आपका रिस्क है, यानी सेम फ्लक्चुएशन कैन डैमेज योर किडनी, डैमेज योर लिवर, डैमेज योर ऑर्गन, उसका रिस्क कितना है, उसका जो रिस्क है वो 20 है. नाउ सपोज आई इंक्रीज द टॉलरेंस फ्रॉम 10 टू 20,
मैं आपकी टॉलरेंस 10 से 20 बना देता हूं, सेम शुगर फ्लक्चुएशन 200 अपॉन 20 200 अपॉन 20, है ना, तो 10 से मैं 20 बना देता हूं आपका टॉलरेंस, तो आपका रिस्क कितना हो गया, फ्रॉम 20 इट हैज कम डाउन टू 10। तो सेम रेंज शुगर का, द सेम रेंज ऑफ शुगर विल नॉट हार्म यू दैट मच, विल बी बेरेबल फॉर योर बॉडी, तो आपका वो ऑर्गन डैमेज नहीं कर पाएगा उतना। 50% रिस्क हमने कम कर दिया, 50% रिस्क कम कर दिया। नाउ द करंट मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज आपका नंबर कम लाने की कोशिश की जा रही है, आपका नंबर 150 से 120 या 100 तक लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऐसा लगता है पीपल आर थिंकिंग दैट दिस रेंज विल हार्म यू, सो दे आर ब्रिंगिंग इट डाउन, बट सी देर इज नॉट, दैट इज नॉट अ ट्रीटमेंट, आज तक किसी का ट्रीटमेंट नहीं हुआ उसकी वजह से। सो इज इट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द टॉलरेंस, क्या रिस्क कम करना है तो टॉलरेंस बढ़ाने की जरूरत है, 100% इमरजेंसी में चाहिए टॉलरेंस बढ़ाना, मेडिसिन द रिस्क मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिन इज वेरी वीक देन द रिस्क मैनेजमेंट बाय इंक्रीजिंग द टॉलरेंस, तो ये सबको करना चाहिए। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, हम न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, टॉलरेंस प्ले अ मेजर रोल इन द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, आपकी सहन शक्ति सबसे मेजर पार्ट प्ले करती है कि आपकी लाइफ कैसी होगी। सेम न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम में अगर आप अपना टॉलरेंस बढ़ा देंगे तो प्रॉब्लम कम हो जाएगी, बहुत जल्दी कम हो जाएगी। क्या ये 100% जा सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहां पे ये बोल, हम ये बोल सकते हैं कि ये 100% जैसा कुछ भी नहीं होता, बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी, वी कैन रीच टू दैट एक्सटेंट। सपोज गर्मी बढ़ गई तो तकलीफ हो जाती है ना, ठंड बढ़ गई तो भी तकलीफ हो जाती है, कैन वी हैव अ कंट्रोल ओवर इट, बट इफ यू इंक्रीज द टॉलरेंस यू विल नॉट गेट इनटू द सेम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। तो हाउ टू इंक्रीज टॉलरेंस, टॉलरेंस हम बढ़ा कैसे सकते हैं, इसके ऊपर बात करें तो एक फैक्टर मैंने बताया आपको कि विच वी आर ओवर लुकिंग इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एट आर डिफिकल्टी एंड डिजीज, That is tolerance of this body. वो tolerance है, सहन शक्ति है इस शरीर की, और कैसे ये risk कम कर देगा आपके body में, तो क्या हमें tolerance बढ़ाना चाहिए, तो हमें tolerance बढ़ाना चाहिए, पर tolerance बढ़ाएं कैसे, tolerance बढ़ाएं कैसे, तो एक काम कीजिए, we can do some experiment. I'll give you certain experiment to do. आप जब भी free हो ये सब experiment करो, आप ये पता लगाइए कि आप कितना वेट आसानी से उठा लेते हैं, हाउ मच वेट यू कैन लिफ्ट इजीली, राइट, सपोज यू लिफ्ट 10 kg वेट इजीली, ट्राई टू लिफ्ट 15 kg, 15 किलो आप उठाने की कोशिश कीजिए, सो व्हाट डू यू डू मोर टू क्रिएट अ मोर टॉलरेंस इन द बॉडी, 10 किलो से 15 किलो उठाना है तो आपकी बॉडी को ज्यादा झेलना पड़ेगा ना, योर बॉडी विल हैव टू टॉलरेट मोर, तो उसके लिए आप अंदर क्या करेंगे कि वो झेल पाए आपका शरीर, वो टॉलरेट कर पाए आपका शरीर, और इमीडिएटली व्हाट यू कैन सी इफ यू जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, सांस को देखेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ इवन विथ मोर इंटेंसिटी, ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में, जोर के साथ में सांस को रोकना पड़ता है, एज यू इंक्रीज वेट द मोर यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ,
धक्का देने की कोशिश कीजिए. इफ यू हैव अ प्रेशर गॉज और प्रेशर आप नाप सकते हैं तो हल्का पहले प्रेशर देके देखिए कि क्या आप कितना आराम से दे सकते हैं, और फिर जोर लगाइए. तो जोर कैसे लगा, हाउ डू यू पुश मोर, बाय होल्डिंग योर ब्रेथ मोर. रस्सा कस्सी खेल के देखिए किसी के साथ में, टग ऑफ वॉर, प्ले टग ऑफ वॉर विद समबडी. सी इफ यू हैव टू पुल मोर पीपल, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ मोर. सांस को ज्यादा रोक के ही कर पाएंगे, अगर आपके सांस को रोकने की क्षमता नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे. सो हु विल फेल, आपका टॉलरेंस कम होता है, कैसे दिखेगा ये आपको अपने ब्रेथ में, कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका टॉलरेंस है, ज्यादा है कि कम है, इफ इट इज मोर और लेस, और हैव यू इंक्रीज इट और हैव यू डिक्रीज इट, क्या इसे आपने बढ़ा सके या कम कर दिया. यू कैन इजिली सी इट थ्रू योर ब्रेथ होल्ड, सांस रोकने की क्षमता से आप इसे आसानी से देख सकते. आई कैन ऑल्सो डिस्क्राइब इट इन मेनी मेनी डिफरेंट वेज जस्ट विथ अ ब्रेथ होल्ड. इनहेल करके कितना होल्ड कर सकते हैं, इनहेल करके होल्ड करके कितना एक्सहेल कर सकते हैं, इनहेलेशन का लेंथ कितना है, इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड कितना कर सकते हैं, वी मेक यू डू सम एक्सपेरिमेंट लाइक दैट. बॉडी को कितना मूव कर सकते हैं, कितना बेंड कर सकते हैं, इन सबसे आपके बॉडी का टॉलरेंस पता चलता है. कौन सी शक्ति आपके बॉडी में, व्हाट फोर्स इज वीक इन योर बॉडी, वी कैन फाइंड आउट. So what is our natural way of going towards increasing the tolerance? Whatever is weak in you, we customize the practice to increase that factor. Or if you will be able to increase that tolerance, you will see your problems will go down drastically. But if you are not able to do that, then there is a problem. देखिए आप सभी के ना बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैं सारे क्वेश्चन के आंसर पकड़ने की कोशिश कीजिए, जो मैं बता रहा हूं उसके अंदर ही है, उसी के अंदर है. सो व्हाट हैपेंस व्हेन योर बॉडी इज वीक, एनी लोड ऑन द सिस्टम, कोई भी शरीर पे लोड जो है ना आपको थका देगा, यू विल बिकम वेरी वेरी टायर्ड, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, लैक ऑफ टॉलरेंस. न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम में तो सबसे ज्यादा बॉडी पे ये चीज देखने को मिलता है. सो इफ आई से डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करें तो ज्यादातर लोगों का एक्सरसाइज छूट जाएगा, बिकॉज इट इज टू मच लोड ऑन द बॉडी. लोड है ज्यादा, अभी वो सहन शक्ति नहीं है, अभी वो स्ट्रेंथ नहीं, देयर इज नो स्ट्रेंथ, नो एनर्जी, and there is a neuromusculoskeletal problem. So, abhi kya kar hai? What to do? Now, is there something which where you don't have to move your body too much and start from there? Ki aapke sharir ko jyada na move karna pade aur wahan se shuru kare. To aise mein kumbhak ke alawa koi option actually mein hai nahi. So, what we teach you, the first and the third part, Anganyasa and Kumbhak therapy, at least you can start from there. Even if you can't do Anganyasa, you can start with Kumbhak therapy. You just have to sit. If you can't even move your hand, haath bhi nahi hila sakte, to koi baat nahi, mat hilao. Just do the breathing right, correct. Usko sahi karne ki koshish kijiye. What you will see, if you do it gently, slowly, and slowly increase your capacity, you won't get into any problem. But because the problem is more, and you want to get out of the problem very fast, so in overexcitement, you may push yourself a little bit more. ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा ज़्यादा जोर लगाएं अपने अंदर. पर अभी तो आप वीक हैं, ज्यादा जोर लगाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, राइट. नाउ यू हैव लर्नड इट एंड वी हैव गिवन यू अ नंबर, नाउ दैट नंबर इज ह्यूज, 24 काउंट होल्ड. नाउ यू कांट डू दैट, नो, व्हाट वी गिव इन टर्म्स ऑफ योर डायग्नोसिस एंड कस्टमाइजेशन इज अ टारगेट, इज टारगेट टू बी अचीव्ड.
वो आपको हम टारगेट देते हैं, वहां तक आपको पहुंचना है फिर कंटिन्यू करना। सो इफ यू कांट डू इट यू स्टार्ट स्लो। क्या आप अपने शरीर को नहीं जानते? डोंट यू नो योर बॉडी? यू नो योर बॉडी, वॉट क्रिएट्स प्रॉब्लम, हाउ इफ यू पुश योर सेल्फ टू मच, इफ यू ईट समथिंग यू गेट इन टू प्रॉब्लम, यू नो ऑल दोज थिंग्स, इजंट इट? अब वो चीज है आप छोड़ के ना नंबर्स को आप गूगल देखने लग जाते हैं, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना विटामिन। हाउ मेनी पीपल हैव सीन प्रोटीन? प्रोटीन कितने लोगों ने देखा है? कहां देखा है? कहां देखा? नेचर में तो कहीं मिलता नहीं प्रोटीन अलग से। आपने कहां देखा कार्बोहाइड्रेट? कहां देखा आपने? आप ज्यादा से ज्यादा कोरिलेट करेंगे, यू एट द मैक्सिमम ट्राई टू कोरिलेट ना, राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट, पोटैटो हैज मोर कार्बोहाइड्रेट, पर कार्बोहाइड्रेट देखा आपने? नोबडी हैज सीन कार्बोहाइड्रेट, नोबडी हैज सीन प्रोटीन, एंड ऑफ कोर्स यू कांट सी विटामिन एंड मिनरल। आप वो देख भी नहीं सकते, लेकिन बातें उसी टर्म्स में करते हैं। जिसको आप नहीं जानते अगर उस टर्म्स में बात करेंगे तो इसे सुपरस्टिशन कहा जाता है, मालूम है आपको? अंधविश्वास कहा जाता है। तो आप तो अंधविश्वासी हो गए। आपका शरीर क्या पहचानता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब पहचानता है आपका शरीर? आपका शरीर स्वाद पहचानता है, टेस्ट। इफ आई ईट टू सार My body starts paining more, खट्टा ज्यादा खाने से मुझे दर्द बढ़ जाता है, दही खाने से दर्द बढ़ जाता है, आपका शरीर ऐसे जानता है ना? पर आप उस टर्म्स में बात करना आपने छोड़ दिया। You have stopped talking in wise language. आप सभी अंधविश्वासी हो गए ना, जिस चीज को देखा ही नहीं उसी के टर्म्स में बात करते। How will you be able to treat yourself if you can't, if your body can't, if you can't correlate anything with your body? आपके शरीर के नियम के हिसाब से अगर आप बात भी नहीं करते तो आप ठीक कैसे कर पाएंगे अपने शरीर को? Now it is high time that we become a little wise. ये बहुत उपयुक्त, ये बहुत जरूरी है आज के समय में that आप थोड़े समझदार बन जाएं। इन द नेम ऑफ साइंस यू आर टॉकिंग सुपरस्टिशन। साइंस का नाम लेके आप सुपरस्टिशियस हो गए। तो आपको फूड का भी पता नहीं चलेगा मुझे क्या खाना है, इसीलिए सवाल क्या आता है, व्हाट शुड आई ईट, व्हाट इज गुड फॉर मी टू ईट, व्हाट इज गुड फूड, ये सवाल हर एक के मन में होगा ही होगा। ऐसा क्यों है? क्या आप अपने शरीर को नहीं जान देख रहे? आंट यू वॉचिंग योर बॉडी? योर बॉडी सेज ऑल दीज थिंग्स, दिस टेस्ट आई वॉन्ट टू ईट दिस, आई वॉन्ट टू ईट दैट, योर बॉडी सेज दिस और नॉट? क्या आपका शरीर नहीं बताता आपको? वॉट एवर योर बॉडी डिमांड्स अ लॉट, दैट इज योर मेडिसिन। गुरु मंत्र ले लीजिए, whatever your body demands a lot, that is your medicine, that taste is your medicine। तो आप वो टेस्ट क्रिएट करें अपने भोजन में और खाएं, आप देखेंगे ठीक हो जाएंगे। Isn't it? When you are feeling lethargic, जब आप आलस बहुत शरीर को आ रहा है, कमजोरी फील कर रहे हैं, so what do you do? कि आप करते हैं, आप क्या करते हैं, आप आराम करते हैं ना, यू रेस्ट अ लॉट, दैट इज व्हाट योर डॉक्टर आल्सो से। अब मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू अ सिचुएशन, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ थिंग्स आई एम गोइंग टू से एंड आई एम सेइंग इट, यू जस्ट हैव टू कैच इट, आपको पकड़ना है और आप अपने आप को खुद संभाल पाएंगे। इफ
यू वुड हैव बीन इन अ जंगल, अगर आप एक जंगल में होते, एंड यू वुड फील वीक, आप कमजोरी फील करते, तो क्या आप आराम करते? वुड यू टेक रेस्ट और वॉट? द क्वेश्चन इज वुड यू बी एबल टू टेक रेस्ट और यू वुड पुश योरसेल्फ मोर फॉर एक्टिविटी? अगर आप रेस्ट करोगे तो ब्रेकफास्ट बन जाओगे किसी का, भोजन बन जाएंगे ज्यादा रेस्ट करेंगे जंगल में, तो आप क्या करेंगे? यू वुड पुश योरसेल्फ मोर, यस और नो? अगर कमजोरी फील कर रहे हैं तो और जोर लगा के काम करने की कोशिश करेंगे, है या नहीं? हाँ या ना, यस और नो? तो क्या आपको जो एडवाइस दिया जा रहा है वो आपके शरीर के अनुकूल है, नियम के अनुकूल है, प्रकृति के, या विपरीत है? और इससे आप ठीक हो जाएंगे आपको लगता है? कभी नहीं ठीक हो पाएंगे, कभी नहीं ठीक हो पाएंगे। बट लेट मी टेल यू, इफ यू पुश योरसेल्फ अ लिटिल मोर यू विल बिकम फाइन। आई कैन गिव यू एनी नंबर ऑफ इंसिडेंसेस, any number of people including me, जिसमें मैं सर्वोपरि हूं, क्योंकि आपको जो चीज भी दिया जाता है वो सबसे पहले मेरे ऊपर इस्तेमाल होता। सो इट इज कमिंग आउट ऑफ माई लाइफ, नॉट एनी बुक। ये किसी किताब से नहीं आ रहा, ये जीवन से आ रहा है। इसमें जीवन का अंश दान देना पड़ता है, तब जाके चीजें निकल के आती। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हुआ, डायबिटीज हुआ, डायबिटीज इज नॉट परमानेंट, ब्लड प्रेशर इज नॉट परमानेंट, ओनली इट विल गेट परमानेंट इफ यू स्टार्ट रिड्यूसिंग द नंबर और स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन। पर हम देख नहीं रहे, वी आर नॉट लुकिंग इन दैट डायरेक्शन, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इन द लास्ट 100 years हैज कम आउट ऑफ डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बाय टेकिंग मेडिसिन। बट आई कैन टेल यू, पीपल हु हैव गेट गॉट इन टू दैट सिचुएशन नेवर टुक मेडिसिन, मेड मोर एफर्ट एंड केम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। हमने लोगों का टॉलरेंस ऐसा बढ़ाया कि 250 शुगर लेवल पे ग्लूकोमा ठीक हो गया, न्यूरोपैथी ठीक हो गई, इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाते हैं। एक इंसान चार चार हार्ट अटैक आ गए, दो हार्ट अटैक पहले आए थे, स्टेंट डल गए उसके अंदर, उसके बाद कुंभक करना शुरू किया, चार हार्ट अटैक झेल गया वो इंसान, हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ा, नो मेडिसिन, नथिंग। दो के बाद तीसरा तो फेटल होता है ना, यू नो ऑल दिस, बट दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज व्हाट यू हैव बीन टॉट। आपको क्या समझाया गया है वो जरूरी नहीं कि सही है, वो अंधविश्वास हो सकता है। केवल साइंस का टैग देने से कोई चीज साइंस नहीं हो जाती, वो मार्केटिंग गिमिक है। तो कहने का मतलब, व्हाट यू आर आइडिएटिंग, क्रिएटिंग एन आइडिया अबाउट थिंग, इज इट ट्रू? नाउ आई स्टार्टेड कुंभक, माय पेन इंक्रीज्ड, ऑब्वियसली योर पेन विल इंक्रीज, बिकॉज यू हैव टू डू इट सो जेंटली दैट यू शुड एंजॉय इट एंड योर पेन विल गो अवे। तो वॉइस तो मेरे ख्याल से आपके इंटरनेट को चेक कर कीजिए अगर किसी कहीं पे वॉइस नहीं आ रहा, बिकॉज यहां तो ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज योर आइडिया अबाउट अ डिजीज लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, न्यूरोडीजेनरेशन,
ये जो आप आइडिया लगा रहे हैं, क्या ये आइडिया सही है? सबसे पहले, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इज योर आइडिया अबाउट योर डिजीज करेक्ट? राइट. अब नाउ व्हाट वी स्टार्टेड विथ इज अ बेसिक मॉड्यूल वेयर व्हाट ऑल वी हैव टू एड्रेस, हमको क्या क्या एड्रेस करना है. सी, टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम, इट इज नॉट अ लोकलाइज प्रॉब्लम. यू ऑलवेज थिंक कि मेरे घुटने में जो प्रॉब्लम होता है ना, मेरे घुटने में ही है. नहीं, आपके घुटने में नहीं है. घुटने में तो बहुत टाइम बाद आया, घुटने में तो बहुत टाइम बाद आया. प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई, क्या उसको एड्रेस नहीं करेंगे? वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम, वुडंट यू एड्रेस दोज थिंग्स? तो इफ देर इज अ डीजेनरेशन, सपोज देर इज ऑस्टियोपोरोसिस, दैट मीन्स द बोन्स आर ब्रिटल, बोन्स में ताकत नहीं है, डेंसिटी नहीं है. बोन का डेंसिटी कहां से आएगा? बोन का डेंसिटी कहां से आएगा? व्हाट यू ईट विल कन्वर्ट इनटू बोन, यस और नो? जो आप खा रहे हैं वही तो बोन में कन्वर्ट होगा ना. तो आर यू एबल टू डाइजेस्ट इट प्रॉपरली? क्या आप उसको ठीक से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? 20-30 ईयर्स ऑफ नॉट प्रॉपर डाइजेशन, वीक मेटाबॉलिज्म, ऑब्वियसली विल क्रिएट ऑस्टियोपोरोसिस. वो उससे ऑस्टियोपोरोसिस तो हो गई. सो आई जस्ट पिक अप टू थिंग्स. यहां पे बहुत चीजों के बारे में बात किया, तो मैं दो चीजें उठा और उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूं. आई ट्राई टू एक्सप्लेन दीज टू थिंग्स. वन थिंग इज विच इज कॉल्ड एज रीजेनरेशन. आपके शरीर में कोई चीज नहीं बन रही है, तभी तो खोखला हो गया बोन. कोई चीज नहीं बन रही है. दूसरी चीज द डाइजेशन फैक्टर और मेटाबॉलिक फैक्टर, कन्वर्ट होना फ्रॉम फूड टू रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऑल दीज काइंड ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी. सो प्रॉपर कन्वर्जन इज कॉल्ड अ शुद्धि. देखिए, हमारे जो पुराने संस्कृत के शब्द थे ना, वो भी करप्ट कर दिए गए. शुद्धि डजेंट मीन क्लेंजिंग. शुद्धि सफाई करना नहीं होता, सफाई तो अपने आप ही हो जाएगा इफ देर इज अ प्रॉपर कन्वर्जन. एक चीज का दूसरे चीज में कन्वर्ट होने को शुद्धि कहते हैं. यू नो व्हाट डज शुद्धि बेस्ट? अग्नि. अग्नि डस शुद्धि बेस्ट. ये हमारे परंपराओं में है. सो अग्नि से शुद्धि होती है, तो आप क्या आग खा के शुद्धि करेंगे अपने बॉडी को? तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिटॉक्स और शुद्धि आ गया, विच इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट. शुद्धि ऑलवेज हैपन्स बाय इंक्रीजिंग द हीट फैक्टर ऑफ योर बॉडी और व्हाट यू कैन कॉल एज कन्वर्जन, मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं. थायराइड है, डायबिटीज है, ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. ब्लड प्रेशर मेटाबॉल, सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. प्रॉब्लम एक ही है सब में, योर बॉडी इज नॉट एबल टू कन्वर्ट योर फूड प्रॉपरली इनटू योर टिश्यूज. और पारंपरिक तौर पे अग्नि को सबसे शुद्ध करने वाली चीज बताई गई है. एक सिंपल निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि आपके शरीर की जठर अग्नि कम है. सिंपल सिंपल इंफरेंस, आपके शरीर की जठर अग्नि कम है. हीट को संभालने की आपके शरीर या जनरेट करने की एबिलिटी कम है. अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं, एंड यू विल कोरिलेट, है ना. आजकल वोकिज्म बहुत चलता है ना, फेमिनिज्म, वोकिज्म, ये सब. नहीं, मैं बताता हूं कैसे. ये बड़ी सबसे बड़ी मूर्खता है.
डू यू नो मेल और फीमेल में व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस? नॉट क्लियर कट डिफरेंस, बट देर इज अ प्राइमरी डिफरेंस, फंडामेंटल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द मेक ऑफ देयर बॉडी. शरीर के जिस तरीके से बना हुआ है, उसकी बनावट में एक मूलभूत डिफरेंस है. ऑल द फीमेल्स, दे मे माइट बी सम एक्सेप्शन, राइट? कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द फीमेल्स दे हैव अ हाइयर एस्पेक्ट ऑफ श्लेष्मा कफ इन देयर बॉडी, मेद इन देयर बॉडी. श्लेष्म का फैक्टर शरीर में ज्यादा होता है, वो चिकनाई कहते हैं, श्लेष्म इज चिकनाई. सो दैट इज वाई फीमेल हैव अ सर्टन सेंस ऑफ ब्यूटी, वो ग्लोइंग फैक्टर उनके शरीर में आता है बिकॉज ऑफ द श्लेष्म. इफ इट इज हाई श्लेष्म, अगर कफ ज्यादा है शरीर में, दैट पर्सन डजेंट नीड मोर फूड, उनको ज्यादा भोजन की जरूरत नहीं होती, दे कैन इजिली फास्ट. वो फास्ट करेंगे ना चलेगा. तो कल्चरली आता है ना, वो माताएं सबसे आखिर में भोजन करती. ये कोई नियम नहीं है कि किसी ने डंडा डाल रखा है उनके ऊपर, ये उनकी मूलभूत प्रकृति है. इफ दे डोंट ईट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दे आर मोर एक्टिव. सो कल्चरली विल सी फीमेल्स वुड फास्ट मोर बिकॉज इट इज इन देयर सिस्टम. बाय फास्टिंग दे विल फील मोर एक्टिव. एंड द श्लेष्मा डाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ द श्लेष्मा विल हैपन मोर, दे विल नेवर गेट इन टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. ठीक है ना? ये जो है ये कोई इमोशनल फैक्टर नहीं है, साइंटिफिक है. सो फेमिनाइन वुड फास्ट मोर इन आर कल्चर, दे वुड टेक अ फास्ट, बट इट इज देयर प्राइमरी क्वालिटी, नॉट एथिक्स. वो तो उसके ऊपर, उसको अच्छा सोचना है परिवार के लिए, तो बच्चों के लिए फास्टिंग कर लिया, पति के लिए फास्टिंग कर लिया, परिवार के लिए, वैभव के लिए फास्टिंग कर लिया, वो एक अलग बात है. बट देयर मेक इज सच कि अगर वो फास्ट करेंगे ना, दे रिमेन मोर एक्टिव. ये मूलभूत डिफरेंस है. वेर एज मेल में ये चीज, मेल में भी ऐसे लोग हैं हु हैव वेरी मच श्लेष्मा फैक्टर, एक्सेप्शंस हैं, बट मेजर अगर देखा जाए तो इट विल नॉट बी वेरी वेरी कंड्यूसिव, स्पेशली पीपल हु आर पित्त टाइप, पित्त एग्रेवेशन जिनके में है, उनको तो फास्टिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, राइट? सो देर वॉज अ कल्चरल बेंड ऑफ थिंग्स विच वुड कीप यू हेल्दी, विच विल कीप यू हेल्दी, विच इज नॉट देयर, विच वी हैव लॉस्ट इन द नेम ऑफ साइंस, वी हैव लॉस्ट द एक्चुअल साइंस. सो इज इट गुड टू फास्ट? इज इट गुड टू फास्ट? वेन एवर योर बॉडी सेज आई डोंट नीड फूड, प्लीज फास्ट. वेन एवर योर बॉडी से आई नीड फूड, प्लीज हैव इट. स्लोली एंड स्टेडिली यू विल कम आउट ऑफ साइकोलॉजिकल हंगर टू रियल हंगर, एंड देन यू एक्चुअली नो वेन टू फास्ट एंड वेन टू हैव फूड. तो पहले जो साइकोलॉजिकल परवर्जन है, उससे थोड़ा निकलने के लिए थोड़ा पुश करने की जरूरत पड़ती है. डोंट पुश योर सेल्फ टू हार्ड बिकॉज देन यू लूज योर माइंड. अब दूसरी बात, शरीर ठीक नहीं है तो आपका माइंड ठीक है क्या? वॉट इज माइंड? सो लास्ट पूर्णमासी सेशन आई वॉज एक्सप्लोरिंग माइंड. So you can watch the session. If you please join the Purnamasi session, everybody, because I take up a
पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड एक्सप्लोर इट, एक जीवन के एक आयाम को वहां पे खोलते हैं। तो पिछले पूर्णमासी के सेशन में हमने माइंड और बुद्धि को लेके काफी कुछ खोला। सो इफ योर बॉडी इज नॉट फाइन, व्हाट इज माइंड? माइंड है क्या? द पैटर्न विच कंपेल्स योर बॉडी टू डू एन एक्टिविटी इज माइंड। ध्यान से सुनिए। यस, रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल, यू कैन गो टू स्वामी राजविभु यूट्यूब चैनल एंड द रिकॉर्डिंग विल बी देयर। सो माइंड क्या है? माइंड होता कहां पे है? क्या यहां पे माइंड होता? नहीं 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 नहीं, माइंड क्या है? आप शरीर से कुछ करते हैं ना, कंपेल होता है अंदर से, मुझे ये करना है, आई हैव टू ईट, आई हैव टू प्यूक, आई हैव टू थिंक दिस। आप कोई भी काम आपके कंट्रोल में तो है नहीं, अंदर तो सब चलता ही रहता है। ह्यूमन बेसिकली डू एवरीथिंग विच बिकम्स देयर कंपल्शन, ओनली देन दे कुड डू थिंग्स, अदरवाइज दे वुड नॉट डू। अदरवाइज तो आप उठ के कोई काम भी नहीं करें जब तक कि डंडा ना हो ऊपर से। हमारी तो सबकी टेंडेंसी यही है। तो जिसका अंदर से जोर आता है आप वही काम करते हैं ना। सो द पैटर्न विच कंपेल्स यू, वो लय जो कि आपको पुश करता है या आपको मजबूर करता है कुछ करने के लिए, वो लय ही आपका माइंड है। इट इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, वो आपके शरीर का ही रिदम है। तो माइंड आपके शरीर से अलग नहीं है। तो शरीर खराब हुआ तो माइंड खराब नहीं होगा। तो कितने लोगों को मेंटल इश्यू हम टैग कर सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 99.999% ऑफ द होल ह्यूमन पॉपुलेशन। डू यू नो दिस? साइकोलॉजिकल डिजास्टर इज एन एपिडेमिक ऑलरेडी एंड वी आर नॉट लुकिंग इन दैट डायरेक्शन जस्ट बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज इट। डर लगता है जब भूत आ गया, कोई हॉरर मूवी देखा तो वहां देखना बंद कर देते हैं ना आप। तो भूत तो आ गया है मगर हम नहीं देख रहे क्योंकि डर लग रहा है, हमें मालूम ही नहीं कि वो क्या है। नाउ व्हेन आई डिस्क्राइब माइंड आई सेड अ रिदम ऑफ योर बॉडी इन रादर from the opposite direction, a rhythm which compels your body to do an activity, एक लय है। तो क्या हम आपको जब नंबर देते हैं तो क्या हम लय क्रिएट कर रहे हैं कोई? That is why we are giving you some number. So you will see, people might be doing some kind of spiritual practice also. So there are spiritual practices. Because in our culture, we use this body for various purpose. इस शरीर को हमने अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल किया, इसी शरीर को जीवन यापन के लिए इस्तेमाल किया, इसी शरीर को मुक्ति के लिए इस्तेमाल किया। तो कुंभक इज द मोस्ट फंडामेंटल फैक्टर ऑफ योर बॉडी। तो जब हम कुंभक को इस्तेमाल अपने को एम्पावर करने के लिए कर सकते हैं तो क्या स्पिरिचुअलिटी के लिए कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मगर नॉट स्ट्रेट अवे, एकदम से नहीं कर सकते, तो प्रिपेयर करना पड़ता। तो योग कलाचार में कुंभक इस्तेमाल होता है बट शुरुआत में निषेध है, नहीं कर सकते। ओनली व्हेन यू डू समथिंग टू एम्पावर योरसेल्फ टू डू कुंभक देन यू आर गिवन कुंभक, बट दैट इज गिवन टू रिलीज यू, आपको मुक्ति के लिए दिया गया, मोक्ष के लिए दिया गया, जीवन के लिए नहीं दिया गया। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल मास्टर के पास तभी जाते हैं जब निपट गया जीवन, हो गया जी अब नहीं जीना, देख लिया सब कुछ, कुछ भी नहीं रखा, अब तो भाई निपटना है, फ्री होना है इससे। मगर आजकल तो आप
बिना ये इच्छा रखे हुए भी स्पिरिचुअल मास्टर के पास में जा रहे हैं ना, क्योंकि आपका शरीर ठीक नहीं है, क्योंकि वैभव नहीं है घर में, धन संपत्ति चाहिए। आजकल तो हम इसी वजह से जा रहे हैं किसी स्पिरिचुअल क्लास में। मेडिटेशन क्यों कर रहे हो? क्योंकि ऐसा लगता है कि मेडिटेशन करने से मुझे कुछ मिल जाएगा, मेरे परिवार को कुछ मिल जाएगा। वो मार्केट भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो आप फंस रहे हैं, मगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहां फंस रहे हैं। तो कैन यू डू दोज प्रैक्टिसेस? ऑब्वियसली यू कैन डू दोज प्रैक्टिसेस, विल नॉट स्टॉप यू, क्योंकि इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। दो डिफरेंट एरिया है साहब, 180 डिग्री डिफरेंट एरिया है। योगा करना है, मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअल गुरु के पास में जाके क्रियाएं सीखनी है, प्लीज गो देयर, बट दैट इज फॉर मुक्ति। वो अभी हम आपके लिए कह रहे हैं कि वो अपना काम स्वयं संभालिए। वी हैव अ डिफरेंट अप्रोच, हम आपको अप्रोच अलग हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपकी लाइफ अच्छी करेंगे, स्पिरिचुअलिटी अपने आप हो जाएगा, उसकी चिंता क्यों करते हैं? तो हम आपको स्पिरिचुअलिटी नहीं देने वाले, हम आपको मुक्ति नहीं देने वाले। और सच में दे दिया तो फिर तो इस देश का कानून हमें नहीं छोड़ेगा। वैसे कोई भी नहीं देने वाला आपको मुक्ति, ये बात अलग है। बट मैं हम लोग क्लियर कट बोल रहे हैं, साफ बोल रहे हैं कि कस्टमाइज आपको किया ही इसलिए जा रहा है ताकि आपका जो वीक फैक्टर्स हैं उसको एम्पावर करके आप जीवन को अच्छे से जी पाए। तो कुंभक करेंगे तो आपकी भूख खत्म नहीं होगी, बढ़ जाएगी। और ये तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, इफ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली, एवरीबडी विल सी दिस, सबको मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई मेरी तो भूख खुल गई, आई कैन डाइजेस्ट मोर। यस, देर इज अनदर फैक्टर ऑल्सो वेयर यू वुड नॉट वॉन्ट टू ईट बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट, जो पहले नहीं था। डिप्रेशन है तो खाते जाओ, खुशी है तो खाते जाओ, कुछ भी है तो खाते जाओ। कुंभक करने के बाद में स्टॉप आ जाता है एक टाइम बाद में। तो क्या डिफरेंस है कि हम आपको पहले जीवन सिखाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। क्योंकि सारे गुरु एक ही जगह जाके मिलते हैं और वही कुंभक है। तो इसलिए कस्टमाइजेशन, आप बाकी प्रैक्टिस कीजिए मगर कोशिश कीजिए। मेडिटेशन कर रहे हैं और भी अलग अलग नाम की क्रियाएं हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं, अलग अलग स्पिरिचुअल गुरु अलग अलग क्रिया देते हैं। सो आइडियली इफ इट इज अ स्पिरिचुअल प्रोसेस, यू शुड डू इट इन द एंड। इफ इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, यू शुड डू इट इन द बिगिनिंग। जैसे कि वॉक करके आना है साहब, वॉक करके आना है, या आपने कोई आसन वगैरह सीखा है, या अगर आप मर्म विन्यास करना चाहता है, मर्म विन्यास में कुंभक आता है, कुंभक थेरेपी में कुंभक आता है, अंग न्यास में कुंभक आता है। तो ये तीनों ही कुंभक के प्रोसेस है। तो फिजिकल प्रोसेस, एक्सरसाइज करना, जिम करना, वॉक करना, ये पहले कर लीजिए। सेकेंड पार्ट इज टू एम्पावर योर बॉडी एंड इंटरनल प्रोसेस, कुंभक कीजिए। थर्ड स्टेप इज यू कैन डू मेडिटेशन, यू कैन डू क्रिया, बट देर आर मेनी क्रियाज विच आर मोर ऑफ अ फिजिकल एम्पावरमेंट टूवर्ड्स अ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, इन ईशा फाउंडेशन और ईशा योगा देर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज शक्ति चालन क्रिया, बट फंडामेंटल प्रोसेस इज शून्य। सो टूवर्ड शून्य शक्ति चालन इज गिवन। तो
तो उसमें शक्ति चालन जो है ना, इट इज नॉट अ, जिसको आप कहेंगे कि वो क्रिया नहीं है, प्रॉपर क्रिया नहीं है, या फिर ये कहेंगे कि वो सूक्ष्म आयाम नहीं है, बट वो प्रिपरेशन है। इट्स अ प्रिपरेशन, जस्ट लाइक द प्रिपरेशन ऑफ योर बॉडी। सो आइडियली दिस इज हाउ इट शुड हैपन, शक्ति चालन एंड देन शून्य। बट शक्ति चालन में भी कुंभक इन्वॉल्व है, इट इज नॉट स्पेशलाइज और कस्टमाइज टू यू, इट इज अ जेनेरिक वन। क्योंकि इन दैट द कुंभक इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द होल प्रोसेस इज डिजाइंड, द डिजाइन ऑफ द होल प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। वॉट यू आर गिवन हेयर इज कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, राइट? कहने का मतलब उसको प्लेस कैसे कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ अ फिजिकल एक्टिविटी फर्स्ट एंड देन योर कुंभक प्रोसेस एंड देन सम काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल प्रोसेस। स्पिरिचुअल प्रोसेस को लास्ट में रखिए। लाइक इन आर्ट ऑफ लिविंग सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है, सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है उसमें। बट डू यू नो, सुदर्शन क्रिया एक तो अपने आप में ही देखा जाए तो उसका लास्ट पार्ट इज लाइक ट्यूनिंग इन टू द रिदम, ट्यूनिंग इन टू द रिदम। मगर उसमें एक और पार्ट दिया जाता है जिसको सहज समाधि कहते हैं। एक्चुअली सहज समाधि इज द प्रोसेस, बट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। सो सुदर्शन क्रिया एक्ट एज अ प्रिलिम और प्रिपरेशन फॉर दैट। तो वट एवर द सूक्ष्म जो आयाम होता है किसी चीज का, जो ध्यान होता है, मेडिटेशन डजंट मीन एनीथिंग। इट इज फंडामेंटली धारणा दैट यू कैन डू, ध्यान ऑल्सो यू कैन डू, यू कैन गेट सक्ड अप इन ध्यान। सो वेन वी से सहज समाधि, इट मीन्स यू शुड गेट सक्ड अप इन टू दैट रेल्म। वो सूक्ष्म है, तो वो आप अपने समय पर कीजिए या आखिर में कीजिए। इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल मेडिटेशन गिवन बाय अ गुरु, देखो आजकल तो ऐप भी आता है ना, तो ऐप का मेडिटेशन कोई मेडिटेशन नहीं होता, वो साइकोलॉजिकल थोड़ा सोलेस है। क्या वो काम करेगा? हाँ वो भी काम करता है, आपको कोई थोड़ा भरोसा दिलाए कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो वो भी काम करता है। मे बी नॉट इन दैट मच इन रियल टर्म्स। जैसे कि एलोपैथी काम क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको भरोसा दिला दिया गया है कि ये ट्रीटमेंट है, अदरवाइज एलोपैथी इज डिस्ट्रॉइंग ह्यूमन बॉडी। लेकिन आपको भरोसा दिला दिया गया, भरोसा दे दिया गया कि ये साइंस है, इसलिए आप मान रहे हो। देयर इज नथिंग कॉल्ड साइंस इन एलोपैथी, बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग। व्हाई डायबिटीज हैपन नोबडी नोस, व्हाई ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज हैपन नोबडी नोस, व्हाई थायराइड हैपन नोबडी नोस, व्हाई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैपन नोबडी नोस, व्हाई रूमेटाइड हैपन नोबडी नोस। अगर कुछ जानते ही नहीं तो उसको साइंस कैसे बोल रहे हैं, और ट्रीटमेंट किस चीज का कर रहे हैं? तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम सब बहुत अच्छे से, खूब अच्छे से अंधविश्वासी हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा रहते हैं इसमें, धीरे धीरे जब आंखें खुलेंगी तो हम अच्छा काम भी करेंगे अपने शरीर के लिए। बट कहना यह चाह रहा हूं कि आप लोग ज्यादा समझदार हैं जितना अभी सोच रहे हैं, उससे ज्यादा समझदार। यू आर मोर इंटेलिजेंट देन व्हाट यू थिंक। तो इसीलिए आपको मालूम ही है इससे मुझे परेशानी होती है। अब कुछ खाने से बॉडी में सूजन, खट्टा खाने से सूजन आ जाता, नहीं जी रात में दही खाना ही है, क्यों खाना? नहीं मुझे तो गर्म गर्म खाना पसंद है, तो गर्म खाइए ना, वो पैकेट वाला क्यों खाते हो? नहीं मुझे थोड़ा ठंडा करके खाना पसंद है, तो थोड़ा ठंडा करके खाओ। यू आर इंटेलिजेंट पीपल, आप लोग समझदार लोग हो, मगर मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि गूगल देख के ही सबको समझना है। नहीं जी मुझे तो रोटी के बगैर नींद नहीं आती, तो रोटी खाइए ना। नहीं नहीं डॉक्टर ने तो बोला है कि ये तो इसमें तो ग्लूटेन होता।
डायबिटीज को चावल नहीं खाने देते, जबकि डायबिटीज के लिए चावल सबसे सही है। रोटी खाएगा तो उसकी डायबिटीज कभी नहीं जाने वाली। लेकिन आपके पूर्वजों, अच्छा भोजन देखना है तो पूर्वजों की तरफ देखना पड़ेगा। वो मांड निकाल के चावल बनाते थे, पक्का चावल खाते थे, मगर आज तो कुकर में आप बनाने लग गए और वो कच्चा चावल खाने लग गए, फिर गड़बड़ है। और भी इसके बारे में बोला जा सकता है, मगर इससे भी क्या फायदा? आपको मालूम ही है कि आपको क्या अच्छा लगता है। अभी गर्मी का मौसम है, डू यू नो इन इन समर सीजन द व्हाट यू कॉल एज स्ट्रैंड, रेशे कहते हैं, रेशे फाइबर, दे ड्राई अप। तो अगर अभी आप आंवला खाओगे, क्योंकि आंवला तो अच्छा होता है, तो आपके मुंह में ही चपता रहेगा। चुकंदर खाओगे तो मुंह में ही चबेगा, जाएगा ही नहीं अंदर। इसीलिए सीजन की चीज खाओगे तो अंदर आराम से जाएगा। अभी तरबूज ऐसा लगेगा जैसे कि ओह अमृत है, और आपको वो जैसा इच्छा वैसे ही खाना चाहिए। उस तरफ देखिए, सो जस्ट सूट योर बॉडी नॉट योर माइंड, एंड इफ यू डू योर कुंभक यू विल सी द मेंटल इश्यूज विल कम डाउन ड्रास्टिकली। देयर इज नो मेडिसिन फॉर एनी मेंटल इश्यू, साइकोलॉजिकल देर इज नो मेडिसिन, बट आफ्टर डूइंग कुंभक यू विल सी योर स्लीप क्वालिटी विल इंप्रूव। मोस्ट ऑफ द पीपल विल ऑब्जर्व दिस, बट सपोज इफ योर बॉडी गोज थ्रू सम काइंड ऑफ अ ट्रबल, अ हिडन इंफेक्शन आपके शरीर में हो गया, तो थोड़ी तकलीफ आएगी ना। तो थोड़ा सबर करो ना, थोड़ा झेल जाइए, तकलीफ चली जाती है। लेकिन थोड़ी सी तकलीफ में हम परेशान होना शुरू कर देते हैं। क्या आपका शरीर झेल नहीं सकता प्रॉब्लम्स को? झेलना कम हो गया, मगर कुंभक करेंगे तो टॉलरेंस बढ़ जाएगा, ज्यादा झेल पाएगा, वापस से आ जाते हैं उसी पे। एक टांग पे खड़े होके देखिए, उस बैलेंस को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सांस रोकना पड़ता है, वेट उठा के एक लाइन पे चलने की कोशिश करो, थायराइड ठीक हो जाएगा। वो जो औरतें थी ना, वो सिर पे दो तीन मटके उठा के और 2-3 किलोमीटर चल देती थी, और पाँव में इतनी मोटी मोटी हसलियां होती थी, हाथ में ऐसे मोटे मोटे कंगन होते थे, उनको थायराइड वायराइड तो कभी नहीं हुआ। सो योर एबिलिटी टू टॉलरेट अ सर्टन वेट एंड स्टिल बी एबल टू होल्ड अ सर्टन लाइन, फोकस बना के रख सकें, अगर ये एबिलिटी आप पालें तो आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। क्या खराब हुआ थायराइड कहते हैं, तो T3, T4, TSH से कभी ठीक नहीं होने वाला आपका थायराइड। किसका ठीक हो गया बता दो, क्योंकि आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं पता कि क्यों हुआ। इसीलिए हुआ क्योंकि आपका शरीर किसी वेट को झेल के ज्यादा देर फोकस नहीं बना सकता। क्या आप उस कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं? कुंभक करके बढ़ा रहे हैं, मगर कुंभक ध्यान से कीजिए, कुंभक को प्रॉब्लम ना बनाए, है ना। यू हैव टू स्लोली इंक्रीज योर कैपेसिटी, एंजॉय डूइंग कुंभक। ज्यादा शरीर को हिलाएंगे तो थक जाएंगे, मगर नाचेंगे तो एनर्जेटिक हो जाएंगे। ऐसा कैसे? उसमें भी तो शरीर को हिलाया, नहीं, मजे में हिलाया। दोनों में फर्क है, क्या कर रहे हैं नहीं, कैसे कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या अपना काम गाते गुनगुनाते मस्ती में करते हैं? नहीं, वो कोई वीडियो कान में लगा के सुनते हुए या आवाज सुनते हुए ऐसे करते हैं, स्क्रीन देखते हुए। तो हमारी बॉडी की कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज, ये सब खत्म हो गई, तो उसको बढ़ाना है। और देख लीजिए, और कोई उपाय नहीं है, यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ फैक्टर्स ऑफ योर बॉडी एंड देन ओनली। देखिए अभी बताया जठराग्नि वीक है, तो
कोई चीज कन्वर्ट नहीं होगा दूसरे टिश्यूज में और रीजनरेशन नहीं होगा। मगर कुंभक करके गर्मी कितने लोगों को लगती है, गर्म होता बॉडी, सभी का बॉडी गर्म होता है कुंभक करके। अंगन्यास करके देखो 21 स्टेप, एक नंबर से अगर आप करके देखो अपनी कैपेसिटी, गर्म हो जाएगा बॉडी, जठराग्नि बढ़ा दिया आपका। तो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर दिया, क्या डायबिटीज ठीक हो जाती है? बिल्कुल 100% ठीक होती है, 100% ठीक होती है। आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं, आपके सारे सिम्टम चले जाएंगे। नंबर की तरफ देखेंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि नंबर हर एक इंसान के टॉलरेंस के हिसाब से अलग अलग होता है। वो नंबर आप देख रहे हैं, टॉलरेंस लेवल नहीं देख रहे, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा, आपको नहीं पूरे के पूरे एलोपैथी को समझ नहीं आ रहा कि हम तो इतने ज्ञानी हो गए तो डायबिटीज इतनी बढ़ के हो रही है दुनिया में। अगर इतने ही ज्ञानी होते तो कम हो रही होती, क्योंकि टॉलरेंस फैक्टर देख ही नहीं रहे, इतने भी समझदार नहीं। फिरंगी सबसे बेवकूफ प्रजाति है पूरी दुनिया में, मानव की हिस्ट्री में सबसे बेवकूफ प्रजाति, और आप उन्हीं को सर पे उठा के रखते हैं। ऑब्वियसली हम बीमारी पड़ेंगे, और क्या कर सकते, बर्बाद ही होंगे। डायबिटीज ठीक हो सकती है आपकी, बाकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी ठीक हो सकता है, लेकिन उसको समझने की कोशिश की। जैसे मैंने थायराइड बताया, टॉलरेंस बताया, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम क्या है, हड्डियों में। अब दूसरा फैक्टर जो था ना, वो थोड़ा रह गया, वो मैं बता देता हूं। वो है जिसे आईटीस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, आईटीस, आर्थराइटिस। तो कोई भी आईटीस कह रहे हैं ना, वो इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है इधर अ डैमेज और टॉक्सिन, दो ही बात समझ, या वहां पे कोई नुकसान है, डैमेज है, या वहां पे टॉक्सिन है। तो हम लोगों ने एक और प्रोग्राम हम करते हैं जिसे कहते हैं पेन मैनेजमेंट, वेयर वी टेल यू कि कहीं पे इन्फ्लेमेशन तो देखो पहले उसको, लाल है कि काला है, क्या रंग आ रहा है। लाल है तो ठंडी पट्टी लगा दो, काला है तो गर्म तेल लगा दो, एंड यू सी देयर विल बी रिलीफ, इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलता है। तो वो रिलीफ ले लेना चाहिए। कोई केमिकल ही लगा के क्यों आप अपने दर्द को कम करना चाहते हो? वोलिनी लगा रहे हो, या इस तरीके का कोई जेल लगा रहे हो, या स्प्रे कर रहे हो, क्यों केमिकल डाल के ही आपको उसको मैनेज करना? आप मैनेज तो कर लेंगे कुछ समय के लिए, बट आपने ट्रीटमेंट तो कुछ भी नहीं किया उसका, बल्कि रादर शरीर को नुकसान कर दिया। तो लगातार अगर आप ऑयलिंग भी करें अपने बॉडी के ऊपर तो भी काफी रिलीफ मिल जाएगा। पेन ऑयल लगा लो ना, वो ज्यादा अच्छा है ना, नेचुरल है, कुछ केमिकल नहीं है। हमारे पास में एक नसवार है पाउडर, नाक में लेके सूंघ लो, कोई भी आईटीएस फाइटीएस सब चला जाता है 10 मिनट के अंदर, कोई भी पेन चला जाएगा। मगर वंस अगेन, बाहर से सपोर्ट लिया है आपने, बाहर से सपोर्ट ट्रीटमेंट नहीं होता। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, दवाई ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट है। बहुत जरूरत है, मैनेज कर लिया ठीक है, बट ट्रीटमेंट तो करो अंदर से, अपना मेटाबॉलिज्म तो ठीक करो, रीजनरेशन तो बढ़ाइए, टॉलरेंस तो बढ़ाइए, तभी तो होगा। एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ाओगे तो किसी का ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं होने वाला। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम खाया आपने मगर एब्जॉर्ब हो रहा है आपकी बॉडी में, तो कैल्शियम खा के किसकी ऑस्टियोपोरोसिस गई आज तक दुनिया में? एक नाम बता दो, किसी की भी नहीं गई, क्योंकि गलत जगह देख रहे हैं। एब्जॉर्प्शन कम है इसीलिए कैल्शियम कम, एब्जॉर्प्शन बढ़ा दीजिए। जब स्ट्रॉ से जूस आप खींच रहे हैं तो जोर लगा रहे हैं ना, वो एब्जॉर्प्शन का ही तो जोर है, लेंथ ऑफ इनहेलेशन वही एब्जॉर्प्शन का तो जोर है, इनहेल करने की जो आपकी क्षमता है वो एब्जॉर्प्शन का ही तो जोर है आपके शरीर का। कुंभक करेंगे तो वो बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा।
नी पेन बेसिकली इसको कई तरफ से देखना चाहिए। हम लोग नी पेन के लिए स्पेशल प्रोग्राम भी आगे चल के करेंगे। घुटने का जो भी जो पेन है ना, इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक तो कौन सी प्रकृति आपकी है जिसकी वजह से वो हो गया। कईयों का ये, इसे हम तीन कैटेगरी में कहते हैं, वात पित्त कफ। आपके बॉडी की वात पित्त प्रकृति है तो अलग तरीके से घुटने में प्रॉब्लम आएगी। अब एक एग्जांपल मैं अपना बताता हूं। सो आई एम ऑलमोस्ट 50, 50 साल का हूं मैं, राइट। तो एंड अ स्पोर्ट्स पर्सन, बचपन में स्पोर्ट्स पर्सन रहा, सारे हड्डियां टूटी हुई हैं, जॉइंट वॉइंट सब टूटे हुए हैं। तो इस टाइम तक मुझे एक्चुअली बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम हो जानी चाहिए थी। चिकनगुनिया भी हो गया था जिसमें मैंने कोई दवाई नहीं लिया, ठीक है। कमर टूटी हुई है, घुटने टूटे हुए हैं, नीचे पांव टूटा हुआ है, हाथ की सारी उंगलियां टूटी हुई हैं। अब उम्र गुजरते गुजरते प्रॉब्लम तो आएगी, और वो भी खतरनाक प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो आज से कुछ समय पहले, अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो 1-1.5 साल पहले, मुझे घुटने में बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम आ गया। कुंभक करते कर रहा था, मगर क्या है, अंदर से कोई इन्फेक्शन पनपा किसी वजह से और वो बढ़ गया। आई नेवर टुक एनी मेडिसिन, कोई मेडिसिन मैंने आज तक नहीं लिया, और वो अपने आप ही खत्म हो गया। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली विथ माई लेफ्ट नी। वो कहते हैं क्लच, गाड़ी के क्लच को दबाना, कभी कभी तो ट्रैफिक में इतना कि क्लच को दबा के रखना पड़ता है काफी टाइम तक। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल फॉर मी। मैं आया एक एक्सीडेंट हो गया था उसकी वजह से। नथिंग इज पेनिंग इन माई बॉडी। वाई? नी प्रॉब्लम तो शुरू ही होती है, तो हो जाती है शुरू, फिर तो ठीक होती नहीं। क्या ये ठीक नहीं हुई? मेरी तो ठीक हो गई। तो जो भी प्रॉब्लम है आपके बॉडी का ना, इट इज अ टेम्पररी फेज ऑलवेज। इफ यू वर्क अपॉन योर बॉडी द फेज विल गो अवे, इफ यू डू नॉट वर्क अपॉन योर बॉडी द फेज विल नेवर गो अवे। तो जब ये कहा जाता है कि एक बार ये बीमारी हुई तो हो गई, ये एक अंधविश्वास है। डायबिटीज हो गई तो हो गई, ये एक अंधविश्वास है। लेकिन आपके शरीर को, आपको हमेशा गाड़ी को उबड़ खाबड़ जगह में ले जाते हैं तो व्हील अलाइनमेंट कराते हैं कि नहीं कराते? अपनी बॉडी का क्यों नहीं करते? इसीलिए जो मर्म विन्यास और हठ विन्यास है, उसमें सब अलाइनमेंट है, तीनों नाभि कौड़ी नले। इफ यू डू दैट, वंस यू आर नॉट एबल टू डू दैट, इट्स ओके। डू फॉर सम मंथ, कुछ महीने तक आप केवल कुंभक थेरेपी करो, अंगन्यास करो। उसके बाद जब शरीर लायक बन जाए इसके कि आप वो कर सकें, तो धीरे धीरे वो शुरू कीजिए, अलाइनमेंट होगा। जिनको भी शियाटिका की प्रॉब्लम है, अलाइनमेंट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर्स बैक मैं किसी वजह से एक स्कैन करा रहा था, क्योंकि कहीं एक्सीडेंट हो गया था बॉडी का, तो एक्सरे कराया। तो जो जिसने एक्सरे किया और उसके बाद में एक लेडी थी, डॉक्टर थी, उसने देखा, कहा कि आपको तो सर्वाइकल 25 ईयर्स बाद। उन्होंने कहा आपको सर्वाइकल, वो भी खतरनाक सर्वाइकल, बहुत जबरदस्त। मैंने उनसे कहा कि फिर, कहते आपको तो ट्रीटमेंट लेना चाहिए और ये तो ऑपरेट करवाना चाहिए। सो आई सेड कि नहीं, ठीक है, देखते हैं।
उस समय मुझे एक्चुअली में गर्दन के आसपास में थोड़ा डिफिकल्टी रहती थी। आई स्टार्टेड वर्किंग अपॉन द बॉडी, इट टुक मी टाइम। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा किसी चीज में, 6 महीने, किसी चीज में साल, किसी चीज में 1.5 साल, ऐसा लग जाता। बट अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरा सर्वाइकल जो इतना खतरनाक था, वो कब ठीक हो गया पता भी नहीं। तो क्या सर्वाइकल परमानेंट होता? नहीं होता। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप जो आइडिया लगा के बैठे हैं ना, आपने नाम तो बहुत सारे पढ़ लिए, अलग अलग नाम रख लिया इसका, है ना, मसल डीजेनरेशन का अलग नाम, ग्रीको रोमन शब्द तो फैंसी है ना। मैं तो सोचता हूं कि आप भी रख लो कुछ नाम अपना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को पप्पू चप्पू टप्पू ऐसा कुछ नाम रख लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलोगे तो ठीक ही नहीं होगे, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक नहीं होता, पप्पू चप्पू टप्पू सब ठीक हो जाते हैं। ये भी माइंड गेम है। सो इफ यू कीप नेम अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, यू विल सी रूमेटॉइड आर्थराइटिस डजंट बिकम फाइन, बट वट एवर यू कीप द नेम, वट एवर इज योर नेम कैन बिकम फाइन। द इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ मच कमिटेड यू आर टूवर्ड्स योर लाइफ। सो वी आर वर्किंग ऑन मेनी मेनी लेवल्स। आई एक्सप्लोर मेटाबॉल टॉलरेंस टूडे। आज मैंने आपको टॉलरेंस और थोड़ा माइंड के बारे में थोड़ा कुछ बताया। नॉट जस्ट दिस, ऑन मेनी मेनी फ्रॉम मेनी मेनी डिफरेंट वेज वी आर वर्किंग ऑन दिस बॉडी, एंड वी वॉन्ट टू कम अप विद डिफरेंट मोड्स ऑफ डायग्नोसिस ऑल्सो, बिकॉज द करेंट डायग्नोस्टिक सिस्टम इज नॉट रिलायबल एट ऑल। दे डोंट टेल यू एनीथिंग अबाउट एनी डिजीज, दे आर जस्ट लिटिल ऑब्जर्वेशन। कोई हड्डी टूट गई है देखना है, करा लो एक्सरे। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलोपैथी, इट्स अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। डायग्नोसिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलोपैथी, सर्जरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलोपैथी, सर्जरी इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेद, दे हैव डाइजेस्टेड इट। डायग्नोसिस इज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, दे हैव डाइजेस्टेड इट। एलोपैथी इज जस्ट अबाउट केमिकल मेडिसिन। लेकिन अभी तो ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। सो प्लीज बी अ लिटिल कमिटेड, डोंट पुश योरसेल्फ टू हार्ड। गर्मी आ रही है शरीर में, अभी तो गर्मी भी बाहर बढ़ गई, एंड वी स्टिल हैव टू हैव दोज 3 मील्स एंड हाई टी। गर्मी बढ़ गई फिर भी क्या, हमको तो 3 बार खाना खाना है, और वो चाय के साथ में कुछ चाहिए फिर। अरे नहीं बाबा, थोड़ा अपने बॉडी की तरफ में देखिए कि अगर वो बोल रहा है तभी खाओ, वरना छोड़ दीजिए। हल्का रहना ज्यादा बेटर है, लिक्विड ही आज के टाइम पे लिक्विड चीजें ज्यादा बेटर है। और फिर खुश होके बॉडी एक्टिविटी कीजिए, कुंभक कीजिए, आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट। अगर बॉडी में गर्मी बढ़ भी गई है, अल्सर हो गए, जीभ में अल्सर टाइप के आ गए, और सम काइंड ऑफ लाइक डाइजेस्टिव इश्यू, एसिड रिफ्लक्स हैज स्टार्टेड, दैट मींस द हीट इन द बॉडी हैज इंक्रीज्ड, सो यू नीड टू कूल डाउन, है ना। देयर इज कूल डाउन प्रोसेस दैट विल बी गिवन टू यू इफ यू गेट इन टच विथ योर मेंटर, विथ योर प्रॉब्लम, दे विल गिव यू सम काइंड ऑफ अ कूल डाउन थिंग, कूलिंग डाउन प्रोसेस, दैट विल हेल्प। ऑल दोज आर्थराइटिस पीपल, दे कैन गेट इन टच एंड गेट दैट नस्वार जो है आर्थराइटिस का, वेरी ब्यूटिफुल थिंग। माइग्रेन है, माइग्रेन एकदम से चला जाएगा, नाक में सूंघना ही है बस, दैट्स अ लिटिल पिंच इन द लेफ्ट एंड राइट नॉस्टिल्स एंड दैट्स इट। हाँ, और उसका नाम भी हमने बड़ा सुंदर रखा हुआ, वेदांत नस्य, वेदना का जो अंत करे। वेदांत क्या होता है? वेदना का अंत, दर्द को जो ठीक कर दे, वेदांत। अभी तो वेदांत कुछ और सोचा होगा ना आपने, यू मस्ट हैव थॉट ऑफ समथिंग एल्स इन टर्म्स ऑफ वेदांत, बट व्हाट इज वेदांत? विच एंड्स योर वेदना, वेदना मीन्स पेन, इट्स अ वेदांत नस्य। माइग्रेन, यू सी माइग्रेन इमीडिएटली विल, इन द मैक्सिमम इट टेक्स 10 मिनट्स,
faster than your allopathy medicine. It takes maximum 10 minutes. Burning during urination, yes, this is a indication of more heat in your body. Cool down, cool down, cool down. गर्मी में आपने थोड़ा जोर व्यवस्थित करके कुंभक कर लिया, प्लीज कूल डाउन मोर, शीतकारी करो, पानी ज्यादा पियो, उल्टा थोड़ा लेटो, पांव ऊपर सिर नीचे, टेक सम सपोर्ट, प्लीज टेक सम आयुर्वेदिक सपोर्ट. व्हाई यू वांट टू जस्ट टेक एलोपैथिक सपोर्ट? यू कैन ऑल्सो गेट इन टच और टेक अ कंसल्टेंसी विद अ गुड आयुर्वेदिक वैद्य एंड यू हैव टू सर्च फॉर दोज वैद्य. Because in our Ayurvedic college, it's more like an allopathic college. They know more allopathy than Ayurveda. But if you are able to find some right kind of an Ayurvedic Vaidya, it'll be of lot of help. भैया आपको अमेरिका कोई सारे पैसे जेब से क्यों निकाल के देने हैं जो आप पे चौधरी पना कर रहा है? भाई अपनी जनता को भी दे दो थोड़ा, अपने पॉपुलेशन को भी. हमारे वैद्य को देंगे तो अच्छा काम करेंगे ना, नई नई चीजें खोल ढूंढेंगे. टेक सम सपोर्ट, टेक सम आयुर्वेदिक सपोर्ट व्हेन एवर यू फील डिफिकल्टी. सपोर्ट इज नीड ऑफ द बॉडी बिकॉज द बॉडी हैज लेस टॉलरेंस एंड लेस स्ट्रेंथ. तो उस समय सपोर्ट की जरूरत होती है. एज यू विल बिल्ड अप स्ट्रेंथ एंड टॉलरेंस वो ठीक हो जाएगा. नेवल ऑयलिंग, यस यू कैन डू नेवल ऑयलिंग, बट इट्स अ वेरी वीक मेथड. इट्स अ वेरी वीक मेथड. नेवल ऑयलिंग इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेथड. यू कैन डू दैट, आप कर सकते हैं. राइट, यू कैन ऑल्सो डू लाइक ऑयल पूलिंग विद अ कोकोनट ऑयल विल ऑल्सो हेल्प. इफ यू देर इज मोर हीट टूवर्ड्स अपर साइड ऑफ योर बॉडी, पुट सम गुलाब जल इन योर आईज. If you cool down your eyes, your body also tends to cool down. Then if you have burning feet, पाँव में जलन है ना, पाँव में जलन, शीतकारी करो, ठंडा करो बॉडी को, जलन ठीक हो जाएगा. बर्निंग इन यूरिन, शीतकारी करो, दिन में 4-5 बार शीतकारी करो, ज्यादा भी कर सकते हैं. आई इचिंग इज अ कफ इशू, कफ तो शहद डालेंगे थोड़ा आंखों में ना, हमारे पास जो आई ड्रॉप है वो डालेंगे तो शुरुआत में इचिंग होगी, फिर ठीक हो जाएगा. बट वैसे भी आप शहद डाल सकते हैं. इफ यू गेट लोटस हनी, लोटस का हनी मिल जाए तो बहुत अच्छा है आपकी आंखों के लिए. फाइब्रोमाइल्जिया ट्रीटमेंट, काउ यूरिन थेरेपी, यस इट्स अ सपोर्ट. एनीथिंग यू टेक फ्रॉम आउटसाइड इज अ सपोर्ट. यू कैन गो टूवर्ड्स टेकिंग एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, दैट्स ओके. स्किन एलर्जी में पित्त बढ़ा हुआ है तो इफ यू take an we have an arista. Arista hamare paas mein ek hai. It's a very good thing in allergic condition. Skin allergy mein bahut acha kaam karta hai. A little support from outside and you can take gudoshi vishari gulika karke aata hai, ayurvedic anti allergic. Wo agar regular le aap do goli din mein 2 baar kam se kam 3 mahine tak, to dekhenge ki skin allergies mein bahut help mil jayega. But skin allergy fundamentally means you have to correct your whole digestive system. One of the aspect is rakt dosha nivaran, rakt ko saaf karna padega aapko. Uske liye kumbhak karein, you can take some ayurvedic support, correct your digestion. Pet ko saaf karein, sabse important baat, pet ko kabhi bhi band na rehne do. Constipation nahi hona chahiye, kisi halat mein nahi hona chahiye. Take any support, we have given you haritki, haritki, you can take trifla, you can take some other support also. ना तो कुछ भी करो पेट साफ करना. स्किन पीपल हैव टू क्लियर देयर कोलोन एंड इंटेस्टाइन, सो इफ दे कैन डू एनी मेडिकेटेड एनीमा, मेडिकेटेड एनीमा करें, ऑयल पुलिंग करें विथ कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल को मुंह में रख के 15-20 मिनट तक उसको घुमाते रहें, मतलब अंदर ही रखें, एंड देन यू कैन थ्रो इट आउट. And correct your digestion, go towards natural, fresh, seasonal. ये सब आपको बताया हुआ. Can you take harit ki whole life? Yes, you can take harit ki whole life. But after some time, you may not need it. So if you don't need it, don't take anything. Not good.
अगर आपको कोई बता जाइए विटामिन है ये आपको सुपरमैन बना देगा तो क्या जिंदगी भर ले सकते हैं? तो मुझे बताइए कौन सा इंसान सुपरमैन बन गया? सुपरमैन नहीं बने बना कोई भी, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए, एक्स्ट्रा और ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी बन गए। सो योर बॉडी डजंट नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर होल लाइफ। आप याद कीजिए अगर जंगल में रहते तो आपको एक फल 2 महीने बाद नहीं मिलता खाने को, बट आजकल आपको मिल जाता है ना। ऑरेंज जूस आप रोज ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, अमेरिकन ब्रेकफास्ट हो जाता है फिर वो। सो कम आउट ऑफ दिस परवर्जन, कम आउट ऑफ वेस्टर्न परवर्जन। यस पाइन इज टू वीक, प्लांटर ओबेसिटी। देखिए ये आप कितना भी बोलो, आई विल ओनली टॉक अबाउट वन थिंग एंड दैट इज करेक्ट द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ योर बॉडी एंड विल कम आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। हाँ वी वर टॉकिंग अबाउट नी पेन, नी पेन वंस अगेन। नी पेन के लिए सबसे पहली जो चीज आपको ठीक करनी होती है वो अपना यू हैव टू क्रिएट द स्ट्रेंथ ऑफ योर स्पाइन। स्पाइन इज वीक, नी पेन विल हैपन फास्ट। तो स्पाइन को स्ट्रेंथ करने के लिए ये पूरा मॉडल है। एज यू विल गो अहेड, यू डू ऑल द प्रैक्टिसेस, यू विल सी योर स्पाइन विल स्ट्रेंथन अप। द सेकेंड फैक्टर इज नी पेन से खत्म करने के लिए यू हैव टू कम आउट ऑफ योर डाइजेस्टिव इश्यू एंड एक्सक्रीटरी इश्यू। पेट साफ हो करना है आपको, डाइजेशन को इंप्रूव करना। द थर्ड थिंग इज यू नीड टू इंक्रीज द फ्लो फैक्टर इन योर बॉडी, लाइक ब्लड फ्लो, लाइक लिम्फ फ्लो, लाइक हॉर्मोन फ्लो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द नर्व फ्लो। सो आई एम डूइंग सम एक्सपेरिमेंट अपॉन माई सेल्फ एंड आई गॉट रिजल्ट, वेरी वेरी प्रॉमिसिंग रिजल्ट। सो विद दैट रिजल्ट विल कम अप विद अ नी पेन, स्पेशली नी पेन स्मॉल प्रोग्राम जस्ट फॉर नी पेन। बट बाकी चीजें जो बताया मैंने वो इंप्रूव आपको करना ही पड़ेगा। नंबनेस एट नाइट बिकॉज योर नर्व इज गेटिंग प्रेस्ड, कभी नंबनेस आ रहा है तो योर नर्व इज गेटिंग प्रेस्ड। उसमें क्या करेंगे? अच्छा इसमें द व्यान फैक्टर ऑफ योर बॉडी नीड्स टू बी करेक्टेड। व्हाट इज व्यान फैक्टर? इनहेलेशन होल्ड एंड इजी एक्सहेलेशन। सो व्हेन योर कैपेसिटी ऑफ एक्सहेलिंग इजी इवन आफ्टर मैक्सिमम होल्ड, ये कैपेसिटी जैसे जैसे बिल्ड होगा आप देखेंगे कि आपका व्यान फैक्टर बॉडी का जब ठीक होगा ना तो न्यूरो प्रॉब्लम, नर्व का ट्विचिंग, हिलना बॉडी के किसी हिस्से में, दोज काइंड ऑफ थिंग्स विल कम डाउन, इट विल कम डाउन। नाउ इफ यू डोंट हैव टू मेनी मसल्स, इफ यू हैव लॉस्ट वेट, इफ यू डोंट हैव टू मच फैट इन योर बॉडी, तो फिर ये थोड़ा रहेगा बट प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा बहुत रहेगा बट इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। बट इफ यू हैव फैट एंड मसल मास देन इट विल यू विल नेवर बी, यू विल नॉट बी एबल टू इवन नोटिस इट, ये चला जाता है। ओनली इफ यू हैव लॉस्ट लॉट ऑफ टिश्यूज तब ये थोड़ा बहुत तो फील होगा बिकॉज इट इज एक्सपोज, बट इट विल नॉट रिमेन अ प्रॉब्लम एज सच, न्यूरोपैथी जैसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ नाउ एक और चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ यू रिड्यूस द रिस्क फैक्टर, एज वी सेड इफ यू इंक्रीज द टॉलरेंस रिस्क विल रिड्यूस, रिस्क कम आ जाएगा। द मोमेंट रिस्क कम्स डाउन योर एड्रिनल ओवर एक्टिविटी विल गो डाउन। एड्रिनल ओवर एक्टिविटी का मतलब क्या है? आपके शरीर में दो ही चीजें होती है, दो रिस्पॉन्स है, इम्यून रिस्पॉन्स, मेटाबोलिक रिस्पॉन्स। अब भोजन खाते हैं तो मेटाबोलिक रिस्पॉन्स होता है, बॉडी करता है, आप कोई गलत चीज चली गई तो इम्यून रिस्पॉन्स करेगा। दवाई जाती है तो बॉडी मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स को कम कर देता है, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देता है।
Every medicine is a risk for your body. So what happens constantly or frequently if your immune response goes up, bar bar dawai kha rahe hain, bar bar immune response ho jata hai. It is called as it will create autoimmune disorder. But one thing is for everyone, even if it is not autoimmune disorder, it will create adrenal overactivity or anxiety, fearfulness, uncertainty in your life. आपके जीवन में ये चीजें करेगा ही करेगा. इफ देर इज अ कॉन्स्टेंट और अ फ्रीक्वेंट इम्यून रिस्पॉन्स इन योर बॉडी, इट विल क्रिएट एड्रिनल ओवर एक्टिविटी विच यू विल सी एज एंजाइटी, डर लगना, एंशियस हो जाना, घबरा जाना, एक ऐसे डर में आ जाना पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, रिस्क का बढ़ जाना, ये हो जाता है. द मोमेंट टॉलरेंस फैक्टर इंक्रीजेस, दिस विल कम डाउन. Now, जब भी ये बढ़ेगा तो हाउ विल योर बॉडी रिएक्ट? जब भी एंजाइटी बढ़ेगा, डर बढ़ेगा, तो इफ इट इंक्रीजेस हाउ विल योर बॉडी रिएक्ट? इट विल ट्राई टू रिड्यूस द स्ट्रेस फैक्टर, यस और नो? इफ योर बॉडी गेट्स इनटू स्ट्रेस और एंजाइटी और रिस्क, व्हाट विल योर बॉडी डू? इट विल ऑल्सो ट्राई टू रिड्यूस द अननेसेसरी रिस्क और स्ट्रेस. So it will produce more cortisol. So stress को कौन रिड्यूस करता है आपके बॉडी में? कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल एक हॉर्मोन होता है. कॉर्टिसोल को बनाने के लिए क्या चाहिए? What is needed to make cortisol? Cholesterol and triglyceride. So you, if your body is increasing cholesterol, is it good or bad? It is actually good. You will harm your body by reducing cholesterol. That is why if you take statins to reduce cholesterol, statin agar khaye aap do wo goliyan khaye statin ki cholesterol kam karne ke liye, your metabolism may never recover. Aapko diabetes ho jayega, aapko thyroid issue ho jayega, aapko anxiety issues ho jayega, aapko ye sare jitne risk hote na wo sab ho jayega, autoimmune disorder ho jayega. So are we creating disease? Yes, we are creating disease. ये आपको सोचना पड़ेगा. So your idea of cholesterol may not be right. यही मैं बताने की कोशिश किया, शुरू से यही बता रहा हूं. आज के सेशन में शुरू से यही बता रहा हूं. जो आप सोच रहे हो क्या वो सही सोच है? So cholesterol is not a problem. Risk is a problem. Reduce the risk by increasing tolerance and cholesterol will come down. Yes or no? Logical bola? Stress factor kam kab honge? When your tolerance will be more, your anxiety, fear, all those things will come down. You will not need cortisol. Your body will not increase cholesterol. Itna dekho, simple hai. Right, to decrease cholesterol and triglyceride, reduce the risk, increase the tolerance. To decrease cholesterol and triglyceride, we should not eat medicine. देखिए, ये बात मेरे मुंह से मत बोलो. I am telling you everything so that you understand. But ये बात बोलना कि मत दवाई खाओ, please ऐसा मत बोलिए. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मगर मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आना चाहिए. सो वेन एवर देर इज टू मच ऑफ डिफिकल्टी, डू वॉट एवर टू मैनेज इट इंस्टेंटली. उस समय मैनेज करने के लिए आप जो मर्जी करो, बट ट्रीटमेंट तो करो. हाँ देखो, कुछ ड्रॉप फूड ठीक हो जाएगा, डोंट, सिकल सेल एनीमिया भी ठीक हो जाएगा, बिकॉज योर बॉडी विल स्टार्ट रीजनरेटिंग और मेकिंग मोर प्रॉपर सेल्स. सिकल सेल क्या हो रहा है? वंस अगेन एक बात समझिए कि जिसे व्यान फैक्टर अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इनहेल मैक्सिमम होल्ड एंड देन इजी एक्सेलरेशन, उसकी वजह से स्ट्रक्चर ठीक नहीं आता, अगर वो स्ट्रेंथ नहीं है आपकी बॉडी में,
तो स्ट्रेंथ आ जाएगा तो स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, है ना। ये मैं दूसरी तरीके से समझा रहा हूं आपको, मेमोरी मेमोरी सबका ही अच्छा होने वाला है। ड्रॉप फुट ठीक हो जाएगा, फुट ड्रॉप आराम से ठीक हो जाएगा, उसकी चिंता ना करें। एसिड रिफ्लक्स आपका ठीक हो जाएगा, बट इट विल टेक अ लिटिल टाइम बिकॉज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज नॉट प्रॉपर। एसिड रिफ्लक्स हो क्यों रहा है, क्योंकि आपके बॉडी में जो मूवमेंट होता है ना, फ्लो जो होता है ना, वो एक डायरेक्शन में जो होता है, फ्लो का स्ट्रेंथ नहीं है। वो आते ही ठीक हो जाए, ओबेसिटी का तो कोई टेंशन ही नहीं है, ओबेसिटी तो ठीक होने ही वाला है, क्योंकि योर फैट विल गेट यूटिलाइज मोर, मेटाबोलिज्म इंप्रूव होगा तो फैट यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, तो ओबेसिटी ठीक होने वाला। एंजाइटी भी ठीक हो जाएगा, बट इट विल टेक अ लिटिल टाइम, यू हैव टू बी रेगुलर विथ योर प्रैक्टिस, तो वो करेंगे तो एंजाइटी इश्यूज बिल्कुल आराम से ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम है ही नहीं। रूमेटाइड भी ठीक होने ही वाला है। एलर्जी एसिड, सियाटिका पेन मैंने आपको बताया, अलाइनमेंट अपने बॉडी का करेंगे तो सियाटिका पेन चला जाएगा। इवन इफ यू पुट योर फुट ऑन द वॉल, सपोज करिए ये दीवार है, यहां पे ऐसे पांव लगा दिया और ऐसे करके सीधा रखा अपने पूरे घुटने को, इट अ लिटिल बिट मोर, आपके ना काफ मसल्स में स्ट्रेच आएगा। अगर थोड़ी देर तक वो स्ट्रेच को झेलें और फिर ऐसे करते जाएं राइट और लेफ्ट दोनों के साथ में, तो देखेंगे वैसे भी सियाटिका में आराम मिल जाता। सो वी हैव हठ विन्यास और मरभ विन्यास, जिसमें कि ये स्ट्रेचिंग होता ही है उसके अंदर है। इफ यू स्टार्ट डूइंग इट प्रॉपरली, यू सी लॉट ऑफ बेनिफिट। आपने अपने बॉडी को कभी भी इतना हल्का नहीं महसूस किया होगा इफ यू विल बी एबल टू डू द मर्म विन्यास एंड डू इट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, से अप्रोक्सीमेटली अबाउट 40 डेज, आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाए। सो फॉर फॉर मेजर प्रॉब्लम हील पेन, नाउ दिस इज वेरी 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 क्रिटिकल, क्योंकि हील पेन कभी जाता नहीं है। हील पेन वेरी कोस चला जाएगा इजीली। हील पेन इज समथिंग स्पेशली व्हेन देयर इज अ स्पर, कोई हड्डी में पेन जो होता है ना, वो जाता नहीं है। ये ओनली अग्निकर्म, अग्निकर्म करेंगे तो चला जाएगा, बट इफ यू कीप डूइंग कुंभक योर हील पेन विल गो अवे, बट इट विल टेक टाइम। अग्निकर्म से इमीडिएटली चला जाता है। इफ यू अप्लाई अ लिटिल हीट टू दैट बोनी पार्ट ऑफ योर हील विच इज डन थ्रू नीडल, पर वो अभी तो हम नहीं आपको ऐसे बता सकते, बट वी वॉन्ट टू एक्चुअली ट्रेन पीपल इन टू दैट, कि वो कर सके, अपने आप ही कर सके। अभी नहीं, बट आफ्टर सम टाइम विल डू दैट। और कोई इसका इलाज नहीं है, देर इज नो नो ट्रीटमेंट फॉर दैट। और हाँ, कुंभक करते रहें, और अगर आप कथक करें कुंभक के साथ में तो मजा आ जाएगा। कथक करो, हील पेन शील पेन सब चला जाएगा। सो कौन चला जाता है, कौन बड़ी आसानी से चला जाता है, इफ यू कीप हिटिंग द फ्लोर, है ना, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक कथक करने लड़की थी जो कथक सीखने गई थी, एंड शी स्टार्टेड हैविंग कॉर्न, थ्री कॉर्न, तीन कॉर्न एक पाँव में और एक दूसरे में। सो द डॉक्टर सेड कि ये तो गया आपका कथक वत्थक, अब लाइफ टाइम खत्म। सो शी वेंट टू हर गुरु, कथक गुरु, कि मुझे तो ये हो गया। कथक गुरु ने कहा कि ओके, कितना देर प्रैक्टिस करती हो? शी सेड आधा घंटा। ठीक है, कल से 2 घंटा प्रैक्टिस करना है। 1 महीने में ठीक हो गया। सो ये विजडम हमें चाहिए, ये विजडम हमें चाहिए, तब जाके ठीक हो। और क्या है, लंबर स्पाइन स्टेनो, देखो स्टेनोसिस का मतलब फाइब्रोमाइल्जिया एक पार्ट है, स्टेनोसिस दूसरा पार्ट है। स्टेनोसिस का मतलब आपकी बॉडी में हीट नहीं है, गर्मी नहीं है। आप ट्रीटमेंट बता दीजिए क्या करना है, गर्मी बढ़ाना, सिंपल ठीक हो जाएगा। कैसे बढ़ाएंगे, मूव तो कर नहीं पा रहे, कुंभक करो फिर। क्या है, कब ठीक होगा, टाइम लेगा आपके हिसाब से, कितना कमिटेड हैं, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके हिसाब से थोड़ा टाइम लेगा। बट अगर मैं कह रहा हूँ स्टेनोसिस ठीक हो जाता है, 100% हो जाता है, 6 महीने में भी ठीक हुआ, साल में ठीक हुआ, तो क्या प्रॉब्लम है। फाइब्रोमाइल्जिया सूख रहा है,
मसल फाइबर, फाइब्रोमाइलिया का मतलब क्या होता है, सूख रहा है। अभी गर्मी में सूखते ना, मैंने बताया फाइबर सूख जाते, पानी कमी है शरीर में, शरीर में पानी नहीं है, अंदर से सूख रहा। पानी को होल्ड करने की क्षमता, शरीर के पानी को रोकने की क्षमता कैसे बढ़ाएंगे? कुंभक क्या है? रोकने की क्षमता बढ़ाने का ही तरीका है ना, तो हर चीज के रोकने की क्षमता बढ़ जाएगी, पानी के रोकने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, फाइब्रोमाइलिया बिल्कुल ठीक हो जाता। कैन वेट बी गेन्ड अनलेस एंड अंटिल योर बॉडी नीड्स इट, देर इज नो पॉइंट इन गेनिंग वेट। सो इफ यू आर डूइंग कुंभक आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम यू विल नॉट बी एबल टू गेन वेट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली बिकम फैट फर्स्ट ऑफ ऑल, बट योर बॉडी विल बी इन एब्सोल्यूट शेप, एब्सोल्यूटली राइट अमाउंट ऑफ फैट एंड मसल एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर ओरिजिनल नेचर ऑफ द बॉडी विच इज डिविएटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट हां, अगर आपको वेट गेन करना है और किसी जैसे फॉर सम कॉम्पिटिशन और सम बॉडी बिल्डिंग काइंड ऑफ अ स्टफ, यू कैन डू दैट बाई यूजिंग एन एक्सटर्नल वॉट यू कैन से जिसको कहना है एक्सटर्नली, अगर आप किसी जैसे मुद्गल यूज करते हैं जो कि आपको बाहर की तरफ में जोर ज्यादा लगाना पड़ता है। सो इफ यू डू एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी वेयर देर इज एन एक्सटर्नल वेट और सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन, इस तरीके का बाहर की तरफ में अगर आपको लगाने की जरूरत लगाएंगे तो उसमें आपका मसल बिल्डअप होगा। इट विल नॉट बी वेट एज सच एज फैट, बट योर मसल विल बिल्डअप। तो वो किया जा सकता है, बट दैट कम्स अंडर अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कुंभक विच इज यूज फॉर स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स के लिए है। और अमेधा में वी डू इट विथ करला कटाई, वी डू अ प्रोसेस कॉल्ड करला कटाई। करला कटाई का एक प्रोसेस करते हैं वेयर द शेप ऑफ द बॉडी बिकम्स परफेक्ट और प्रॉपर, वैसे किया जा सकता। हील पेन, कॉन्स्टिपेशन, तो फिर आप कुछ भी ले लो। वेरी सिवर बहुत ज्यादा है तो टेक सम वेरी पावरफुल ऑल्टरनेटिव या सपोर्ट बाहर से ले सकते हैं। विरेचन गोलिका, देर इज अ मेडिसिन कॉल्ड विरेचन गोलिका एंड देर इज अ वेरी वेरी पावरफुल मेडिसिन कॉल्ड इच्छाधारी रस, इच्छा भेदी रस। इसको रेगुलर ना यूज करें, इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। एक गोली खा के देखो, वही सा भी कॉन्स्टिपेशन निकल जाए। देखो पेन फैक्टर्स में तो टेक सम, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन, getting your metabolism right is the treatment of Parkinson, and then moving the vayu in the correct direction. Abhi Parkinson ke liye hamare paas mein as such koi special program nahi hai, but you can a person if he is able to do some practices then ashtang chikitsa kar sakte. Exhale wrong, gas problem hota hai. Dekho gas problem exhale karne se nahi hota, kumbhak karenge to gas niklega body mein se. It is not a problem. After a certain period of time, you will see it will become absolutely perfect. वो problem नहीं है, gas निकलना is important. Genetic metabolic disorder can be handled to a certain extent. We want to do a lot of work in that area. बहुत experiment और research करना चाहते हैं. We have a limitation. हमारे पास में ना आप जैसे खूब सारे लोग चाहिए who want to work in this area, contribute. है ना, क्योंकि रिसर्च बहुत टोल लेता है, पैसा भी खर्च होता है उसके अंदर, टाइम भी खर्चा होता है। वी आर ऑलरेडी डूइंग, ऑलरेडी बिल्ड डेवलपिंग सर्टन मेडिसिन, सर्टन मेथड्स हम कर रहे हैं, बट क्या है कि हमको उसके लिए पैसा भी चाहिए। वो पैसा नहीं होता, हम तो खुद ही अपनी रेडी लगाते हैं, बेचते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, रिसर्च भी करते हैं।
ना तो सरकार हमको पैसा दे रही है, ना तो कोई और हमको फंड करता है। हाँ, इसमें बहुत लोगों को भी साथ में जुड़ना पड़ेगा। वी आर इन टॉक विथ आयुष, आयुष मंत्रालय जो है ना, उसके साथ में हम बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हाउ मच दे आर ओपन, क्योंकि वो सब सरकारी काम है, और सरकारी काम में ना वो अपना एक प्रोसेस टाइम पीरियड लेता ही है। हु डज अग्नि एंड विद कर्म, अगर कोई करता है ना तो हमारे साथ में हमको बताइए, फिर हम लोगों को भी बताएंगे ताकि वो उनका फायदा ले सकें और हम उनको अपने साथ भी जोड़ सकते हैं। लाइपोमा अलग, डिफरेंट प्रोग्राम, कैंसर प्रोग्राम विल एक्सप्लेन देयर मोर। फूड पॉइजनिंग इश्यू आफ्टर गॉल ब्लैडर रिमूवल, हर चीज को आजकल रिमूव कर दिया जाता है, इट इज नॉट गुड। सो गॉल ब्लैडर रिमूवल इफ इट इज डन देन यू नीड मोर सपोर्ट फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड सपोर्ट थ्रू कुंभक, आउटसाइड सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग योर फूड। मगर कुंभक करेंगे तो फिर प्रॉब्लम कम हो जाएगा। हेवीनेस इन हार्ट बॉडी का, दक्षिणाग्नि कम है, ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी कम है आपकी, उसको बढ़ाएंगे ठीक हो जाएगा। साइकोलॉजिकल हंगर और व्हाट्स एक्चुअल, नो एट प्रेजेंट यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, बट इफ यू डू कुंभक फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू नो व्हाट इज द रियल हंगर, व्हाट इज साइकोलॉजिकल, बिकॉज कुंभक इंक्रीजेस द सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी। स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्पाइन आप करो ना, हठ कुंभक बताया तो सही, इसके अंदर मर्म विन्यास है। वर्टिगो बैलेंसिंग चाहिए, बैलेंसिंग में दो तीन फैक्टर है इंपॉर्टेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड द अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी, इट विल बिकम फाइन। सम एंजाइम ड्यू टू डायबिटीज, वो क्या होता है, वट एवर एंजाइम यू टेक फ्रॉम आउटसाइड इट विल बी अ लिटिल सपोर्ट, नॉट ट्रीटमेंट। रिस्ट पेन, ज्वाइंट का स्ट्रेंथ नहीं है ना, रिस्ट पेन इसलिए आ रहा है। एंड देर मस्ट बी सम प्रॉब्लम विथ योर हिप एंड द ग्रॉइन ज्वाइंट्स, द बैक साइड ऑफ द ग्रॉइन ज्वाइंट्स में अगर प्रॉब्लम है तो भी एंकल में आता है। तो अगर हिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे और खास करके जो मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, तो आपका पता चलेगा कि ये जो रिस्ट का स्ट्रेंथ है वो रीगेन होने लगता है। एंड ऑब्वियसली वी आर वर्किंग ऑन द रिस्ट ऑल्सो इन द मॉडल। इन्फ्लेमेशन जैसे बताया, इन्फ्लेमेशन इधर अ डैमेज और टॉक्सिन है ना, तो डैमेज और टॉक्सिन दोनों बढ़ाने के लिए और दोनों ठीक करने के लिए कुंभक को ध्यान से कीजिए, बॉडी को थोड़ा ठंडा रखें, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करें, ये सब बता ही रहे हैं ना। डिप्रेशन विप्रेशन सब आइडिया है, कुछ नहीं होता डिप्रेशन, कुंभक करो ठीक हो जाओगे बहुत जल्दी, इतना क्या परेशान होना, नथिंग इज। देखो आप तो कुछ कर नहीं रहे लाइफ में, बॉडी में भी कुछ नहीं कर रहे, हार्ट भी नहीं चला रहे, लिवर भी नहीं काम फंक्शन करवा रहे, किडनी का भी फंक्शन आप नहीं करवा रहे, क्या करवा रहे हैं अंदर, कुछ भी नहीं। बाहर क्या करवा रहे हो, हवा चला रहे हो, बारिश करवा रहे हो, पृथ्वी को घुमा रहे हो, सोलर सिस्टम का बैलेंस बना रहे हो, क्या कर रहे हो ना। तो हम अपने शरीर में कुछ करते हैं ना बाहर कुछ करते हैं, जब कुछ करते ही नहीं और सब कुछ अपने आप हो रहा है तो डिप्रेस होने की क्या जरूरत है, सब कुछ एक्सेप्ट ही करो ना, आपके पास तो चॉइस ही नहीं। देखिए एक काम या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता, दो ही चीज है, दो ही पॉसिबिलिटी है, इधर समथिंग इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। सो अगर आपको ये कहें कि अपना मोबाइल उठा लो तो आपको डिप्रेशन होगा क्या, तकलीफ स्ट्रेस होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा, आप उठा सकते हो मोबाइल। लेकिन आपको कहें बुलडोजर उठा लो तो डिप्रेशन होगा क्या, अरे नहीं उठा सकते, जो नहीं उठा सकते नहीं उठा सकते, जो कर सकते हैं कर सकते हैं, जो कर सकते हैं उसके लिए कोशिश कीजिए, जो नहीं कर सकते बात ही खत्म। तो स्ट्रेस और डिप्रेशन होता कहां पे है, इसको फिट कहां पे करते हैं, जबरदस्ती का झोल, मतलब कहते हैं गोलमाल बना के रखा अपने दिमाग में। अगर आपके शरीर से खूब काम लीजिए, हैव अ पर्पस इन योर लाइफ एंड हैव अ इष्ट, हैव एन इष्ट, इष्ट बहुत जरूरी है, जिनके ऊपर आप पूरा भरोसा करके सब कुछ छोड़ दीजिए, जो होता है एक्सेप्ट कर लीजिए, मृत्यु भी आए तो स्वीकार है, फिर काहे का डिप्रेशन, मृत्यु भी आए तो स्वीकार है, अपने इष्ट पे भरोसा करो, वही चला रहे हैं ना, आप तो नहीं चला रहे कुछ भी,
वो चला रहे हैं तो आपको ठोकर लगे तो स्वीकार है, अच्छा हो तो स्वीकार है, मृत्यु आए तो स्वीकार है, फिर कोई डिप्रेशन नहीं। एक पर्पस रखो, बड़ा पर्पस रखो लाइफ का, और उस तरफ में काम कीजिए, दैट्स इट, खत्म काम, इतना सिंपल रखो। ये डिप्रेशन विप्रेशन को जबरदस्ती का झमेला बना के नहीं रखना, उस पे भी अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो तो एक स्वामी तो यहां भी बैठा है, सब कुछ छोड़ दो, दे दो मुझे अपने सारे दुख दे दो, मौज में रहिए। बॉडी स्वेलिंग अगर हो रहा है ना तो आप देखेंगे बॉडी स्वेलिंग आराम से कुंभक से चला जाता है, बट देर इज सम इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, या तो किसी चीज से एलर्जी होगा या तो मेटाबॉलिज्म पाचन वगैरह ठीक नहीं होगा, एक और चीज कीजिए, इसलिए मैंने कहा मेडिकेटेड एनिमा करवा लो, एनिमा करवा लो, सीख लो, एनिमा किट ले आओ घर में, एक हफ्ते तक कर लो, देखो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सॉरी, रिटेंशन जो बॉडी में आ रहा है ना, कुंभक करेंगे तो वैसे ही चला जाएगा, बट क्या है कुंभक करने से एग्रेवेशन थोड़ा शुरुआत में, अगर पेन फैक्टर्स हैं तो थोड़ा एग्रेवेशन हो सकता है, लग सकता है, बट ठंडा करके रखो तो, वैसे भी बॉडी को ठंडा करोगे तो चला जाएगा। नहीं समझ में आ रहा कुछ तो एक काम करो कि सिंपल सा कोई भी, जैसे मैंने बताया कि विरेचन गोली का खा लिया, पेट साफ कर लिया, कम से कम इतना तो कर लीजिए, हल्के हल्के से कुंभक कीजिए और ठंडा रखिए बॉडी को, सूजन चला जाएगा। इसी के साथ विल हैव टू एंड दिस सेशन। बीपी बहुत लो रहता है, प्लीज कुंभक करो, प्लीज रेगुलर कुंभक करो, बीपी ठीक हो जाएगा। कान में उंगली डाल के रगड़ लीजिए, बीपी ठीक हो जाता है। नमक, पानी में नमक डाल के पी लीजिए, बीपी ठीक हो जाता है। अगर कुछ समझ में नहीं आता कौन है, मेल फीमेल क्या है, जो भी अपने पति या पत्नी के साथ में लड़ाई कर लो, बीपी ठीक हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा तो किसी भी बात पे लड़ाई कर लो, फीमेल्स को तो वैसे भी कोई चाहिए नहीं होता, मुद्दा बन जाता है अपने आप ही, तो लड़ाई कर लो, अच्छे से खूब लड़ाई कर लो, और बीपी देखो एकदम फिट। बीपी लो जो है ना, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है कि शरीर जो ढीला हो जाता है, तो पानी में नमक डाल के कुछ गर्म चीज ले लेंगे तो भी बीपी ठीक हो, है ना। नहीं तो क्या करेंगे, इतने सारे नाम होते हैं ना कि मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज, ऐसा एक टैबलेट मिलती है वो मंगवा लीजिए, सिद्ध मकर ध्वज, या सिंपल मकर ध्वज भी चलेगा। सिद्ध मकर ध्वज में गोल्ड होता है तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, मगर सिंपल मकर ध्वज आप मंगवा लीजिए, और एक टैबलेट को ऐसा कर क्रश करके ना सूंघ लेना नाक में, एक टैबलेट खा लेना, सूंघते ही बीपी ठीक हो जाएगा। और अगर एक कोर्स कर लोगे अप्रोक्सीमेटली 40 दिन का, तो देखेंगे कि बीपी वगैरह ठीक हो जाएगा। सो अभी रोकना पड़ेगा क्योंकि विल हैव टू शिफ्ट टू अनदर सेशन, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन पूछते रहिए, नेक्स्ट टाइम फिर क्वेश्चन और ले लेंगे, और अगर कुछ रह गया तो आपके ग्रुप में डाल दीजिए। हम कैन अ पर्सन हैविंग किडनी ट्रांसप्लांट ज्वाइन, हाँ अ किडनी पर्सन कैन ज्वाइन अस्ट्रांग, बल्कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट टू वर्क अपॉन द बॉडी, शरीर को उसको झेलने लायक बनाना है, अदरवाइज स्टीरोइड ही खाते रहोगे क्या पूरी जिंदगी, प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं तो किडनी जो है बहुत जल्दी सेट नहीं होता, है ना। तो उसको सहन करने लायक भी बॉडी को बनाना पड़ता है। मगर एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके अंदर ना फंडामेंटल, ये दो फंडामेंटल विजडम इज बिल्ट इन साइड यू, आपके अंदर बिल्ट इन हुआ। ट्राई टू बी मोर ऑब्जर्व ऑब्जर्वेंट अबाउट लाइफ, जीवन के प्रति ज्यादा जागरूक रहें और आपको सब कुछ मालूम ही चल जाए। किताबों में जो पढ़ाया जाता है इट्स लाइक रोबोटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, एक ही मॉडल में उसको कहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए सिखाया जाता है। सो डॉक्टर्स को जो एलोपैथिक कॉलेजेस में सिखाया जाता, क्या सिखाया जाता है, स्टैंडर्ड एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इफ दे डिविएट फ्रॉम दैट
their degree will come in under threat. So it is not that they know life. They don't know life. They know SOP, standard operating procedure. But you know life. So you are a better handler of life than any knowledge, any doctor, any dietitian. Or please become more aware about your life, be more observant about your life, and try to do the best about that. So aap logon ke jeevan ke liye khub khub shubhkamnaen, khub swasth rahein, khub sundar jeevan jiyein, khub vaibhavshali ho, aisi hi hamari manokamna hai. Thank you everyone for joining in. Thank you very much.